अब हम बात करेंगे अपने अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के बारे में. मींस अब हम प्रैक्टिकली जो है क्विक बुक ऑनलाइन के अंदर जो है अपनी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करेंगे. सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर कि हम अपने एस्टीमेट से जो है वो इनवॉइस किस तरीके से क्रिएट करते हैं, फिर हम डायरेक्ट जो है वो इनवॉइस को पोस्ट करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमने मल्टीपल इनवॉइसेस जो है वो पोस्ट करनी है तो वो हम कैसे कर सकते हैं. फिर हम देखेंगे अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस को कि रिपीटिंग इनवॉइसेस को हम कैसे पोस्ट करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि क्विक बुक के अंदर हम अपनी इनवॉइसेस को जो है वो कैसे इम्पोर्ट कर सकते हैं. फिर हम बात करेंगे अपनी सेल रिसीट के बारे में कि अगर डायरेक्टली कस्टमर हमें कैश पे कर दे तो सेल रिसीट को हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. फिर हम बात करेंगे पेमेंट की कि अगर कस्टमर हमें कोई पेमेंट करता है तो उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे. फिर हम देखेंगे आपके टाइम चार्ज को, मींस के अगर आप अपनी आर्ली सर्विसेज किसी कस्टमर को जो है वो सेल आउट करते हैं तो उसको जो है वो आप किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे. फिर हम देखेंगे अपने डिलेड चार्ज के बारे में, एंड में बात करेंगे डिलेड चार्ज के बारे में. तो इन सब चीजों को जो है हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंप्लीट करेंगे. और उसके लिए मैंने आपका कुछ इनवॉइसेस का जो है वो एग्जांपल्स जो है वो बनाई हैं. और इन इनवॉइसेस की एग्जांपल के अंदर मैंने हर इनवॉइस जो है वो लिया, मींस के मैं इनवॉइस को स्टैंडर्ड रेट के ऊपर भी पोस्ट करूंगा, रिड्यूस्ड रेट वाली इनवॉइस को भी पोस्ट करूंगा, जीरो रेट को भी, एग्जेम्प्ट को भी और नो वैट को भी. हर तरह की इनवॉइस जो है वो हम आज के टॉपिक के अंदर जो है वो पोस्ट करके देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपकी कि किस तरीके से हम अपने एस्टिमेट से इनवॉइस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो उसके लिए हम चलते हैं क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर. यहां पर हम क्विक बुक्स ऑनलाइन पे आ गए. अब सबसे पहले हमने एस्टीमेट पे जाना है. उसके लिए आप देखें ये आपके पास क्विक बुक का डैशबोर्ड है. आप चाहें तो यहां पर आपको ये जो न्यू का टैब नजर आ रहा है, आप यहां न्यू पे आएंगे तो आप यहां पे देखेंगे आपको कस्टमर का सेक्शन नजर आ रहा है. उस कस्टमर के सेक्शन में आपको सब चीजें दी हुई हैं. यहां से हम जाके जो है आपकी फॉर एग्जांपल एस्टीमेट क्रिएट कर सकते हैं. एक तरीका तो ये है यहां पर जाने का. दूसरा आपका तरीका ये है कि यहां पर आप सेल्स में आए और सेल्स में आके आप ऑल सेल्स के सेक्शन के ऊपर जो है वो यहां पे आ जाएं. जैसे ही आप ऑल सेल्स के सेक्शन के ऊपर जाएंगे आपके सामने जो है वो इस तरह की एक स्क्रीन जो है वो ओपन हो जाएगी. और यहां पर आने के बाद आप न्यू ट्रांजैक्शन में जाके और यहां से भी अपने एस्टीमेट को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं. तो चलें सबसे पहले जो है हम अपने एस्टीमेट को जो है वो क्रिएट करते हैं. यहां पर हम आ जाते हैं एस्टीमेट पे. यहां हम एस्टीमेट के ऊपर आ गए. अब मेरे सामने जो है वो एक एस्टीमेट जो है वो खुल जाएगा. यहां पर अब जो मैंने आपके लिए इनवॉइसेस बनाई हुई हैं, सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड रेट जो 20% है उससे हम अपना एस्टीमेट जो है वो क्रिएट करते हैं. ये मेरे पास इनवॉइस दी हुई है. ये देखें यहां पर मेरे पास इनवॉइस है. इसका इनवॉइस नंबर है 1001. इसकी डेट है 1 सितंबर और ड्यू डेट है 15 सितंबर. मैं सबसे पहले यहां पर जीरो में आ जाता हूं. यहां पर जीरो में आके मैं सबसे पहले अपना कस्टमर सेलेक्ट करता हूं. कस्टमर मेरे पास कौन सा है, कस्टमर वन. यहां पर मैं आता हूं. यहां पर आके मैं कस्टमर वन सेलेक्ट कर लेता हूं. अब आप देखें जैसे ही मैं कस्टमर वन सेलेक्ट करूंगा यहां पे जो भी मैंने अपने कस्टमर्स को ऐड किया था उनकी सारी डिटेल जो है वो यहां पर आ गई है. यहां पर अब वो कह रहा है कि वो इसे ईमेल भी करेगा, क्योंकि जाहिरी बात है ये ईमेल एड्रेस जो है वो असल नहीं है तो ईमेल तो जाएगी नहीं. यहां पर मैं सेंड लेटर पे क्लिक कर देता हूं कि बाद में उसे ईमेल चली जाए. होता क्या है कि जब भी आप एस्टीमेट बनाएंगे और अगर यहां पर आप कोई एक्चुअल ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो एस्टीमेट जो है वहां पे जो है ईमेल एड्रेस के ऊपर चला जाएगा कस्टमर के, और वो वहां से भी अपने एस्टीमेट को जो है वो देख सकता है. यहां पर ये एस्टीमेट आ गया. अब उसके बाद सबसे पहले वो पूछ रहा है आपकी एस्टीमेट की डेट जो है वो क्या है. यहां पर एस्टीमेट की डेट, क्योंकि इनवॉइस डेट 1 सितंबर है तो हम एस्टीमेट की डेट भी 1 सितंबर कर देते हैं. अब जब भी आप कोई एस्टीमेट बनाते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, मींस कि वो एस्टीमेट सिर्फ उसी डेट तक वैलिड है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होगा. क्योंकि फॉर एग्जांपल आप आज एक चीज बेच रहे हैं उसकी कीमत आज कुछ है लेकिन एक मंथ बाद अगर उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसी हिसाब से आप अपना एस्टीमेट भी रखते हैं. फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं कि इस एस्टीमेट की एक्सपायरी डेट जो है वो 30 सितंबर है. यहां पर मैंने अब अपना एस्टीमेट क्रिएट कर लिया. अब सबसे पहले हम देखते हैं कि हम बेच क्या रहे हैं. वो ये कह रहा है कि हम अपनी कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो 1000 पे बेच रहे हैं और ये स्टैंडर्ड रेट 20% है, 200 उसका वैट है, टोटल अमाउंट 1200 है. तो यहां पर हम आ जाते हैं. यहां पर हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर आके अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं. हम कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक हो गया. यहां पर हम डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं
कि कंसल्टिंग सर्विसेज दे रहे हैं, कितने की दे रहे हैं, 1000 की दे रहे हैं, ठीक हो गया, ये अमाउंट आ गई। यहां पर अब वैट रेट ले लेते हैं, हमारा 20% स्टैंडर्ड है, ये मैंने वैट रेट ले लिया। और आप देखें ये मेरा एस्टिमेट जो है ये मेरा 1200 से जो है वो हो गया है, और यहां पर मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूं। अब ये मेरा एस्टिमेट जो है वो सेव हो गया है। यहां पर मैं स्क्रीन को जो है वो क्लोज कर देता हूं। अब ये मैंने इस स्क्रीन को क्लोज कर दिया। अब मेरा एक एस्टिमेट जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप ये देखें यहां पर एस्टिमेट मेरे पास आ भी रहा होगा। यहां पर मैं नीचे आ जाता हूं और ये देखें ये मेरे पास जो है वो एस्टिमेट आ रहा है। अब आप ये देखें मेरे पास अगर यहां पर मैं ड्रॉप डाउन के अंदर आऊंगा तो ये मेरे पास एस्टिमेट जो है वो कुछ ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो जाएंगी। अब यहां पर मैं इसको मार्क एक्सेप्टेड कर देता हूं। जैसे ही आप देखें यहां पर मैं इसको मार्क एक्सेप्टेड करूंगा और यहां पे ओके पे क्लिक करूंगा, तो अब आप देखें ये क्योंकि एस्टिमेट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है, तो उसके बाद जो है अब मेरे पास ये एक ऑप्शन है कि मैं इसको इनवॉइस में जो है कन्वर्ट कर सकता हूं। जैसे कि आप देखें यहां पर मुझे लिखा हुआ रहा है कन्वर्ट टू इनवॉइस, तो मैं यहां पर कन्वर्ट टू इनवॉइस के ऊपर जो है वो क्लिक कर देता हूं। अब आप देखें जैसे ही यहां पर मैंने कन्वर्ट टू इनवॉइस के ऊपर क्लिक किया है, मेरे पास यहां पर अभी स्क्रीन पे जो है वो एक इनवॉइस जो है वो ओपन हो जाएगी। ये देखें ये सारी की सारी इनवॉइस जो है वो ओपन मेरे पास यहां पर हुई हुई है। ये देखें ये सारी इनवॉइस ओपन हुई हुई है। अब उसके बाद मैं चला जाता हूं अपनी एक्चुअल इनवॉइस पे। ठीक है, इसकी इनवॉइस डेट थी 15 और ड्यू डेट थी 1 सितंबर और ड्यू डेट थी 15 सितंबर। तो मैं यहां पर आता हूं, यहां पर नेट 15 करता हूं तो ये 16 सितंबर हो गई। यहां पर आके मैं इसको चेंज भी कर सकता हूं 15 सितंबर, तो मैंने ड्यू डेट जो है वो इसकी 15 सितंबर कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है यहां पर इनवॉइस नंबर जो है ये क्विक बुक के अंदर जो है वो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद चल रहा होता है, तो इस टाइम क्विक बुक के अंदर इनवॉइस नंबर जो है वो 1021 आ रहा है, तो हम इसको 1021 ही रहने देते हैं। वरना अगर हम चाहें तो जैसे उसने हमें यहां पर दिया हुआ है इनवॉइस नंबर, मैं इसको भी कॉपी कर सकता हूं और यहां पर आके इसको पेस्ट कर देता हूं, तो जो उधर दिया हुआ था वही मैंने यहां पर लिख दिया है। और आप देखें उसने प्रोडक्ट और बाकी सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो लीनी है। यहां पर मेरे पास ये चीज आ गई और अब यहां पर आके मैं इसको जो है वो सेव एंड क्लोज कर देता हूं। आप देखें यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज किया तो मेरे पास जो है अब इनवॉइस जो है वो क्या कहते हैं क्रिएट हो गई है। आप ये देखें ये मेरे पास इनवॉइस क्रिएट होके आ गई है 1200 की। तो इस तरीके से हम अपने एस्टिमेट से जो है वो अपनी इनवॉइस को जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हमारा जो आपका ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन हमारा ओके हो गया, इसको मैं येलो कर देता हूं। उसके बाद अब हमारी चीज है डायरेक्ट इनवॉइस पोस्ट, यानी कि अब हमने अपनी इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली पोस्ट करनी है, कोई एस्टिमेट नहीं रखना। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं। अब मैंने स्टैंडर्ड रेट से तो इनवॉइस पोस्ट कर लिया, अब यहां पर आके मैं अपने रिड्यूस्ड रेट से जो है वो डायरेक्ट इनवॉइस जो है वो पोस्ट करूंगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं। यहां पर आने के बाद सबसे पहले मैं यहां न्यू ट्रांजैक्शन के अंदर आता हूं और अब डायरेक्टली जो है मैं इनवॉइस के ऊपर जो है वो आ जाऊंगा। यहां पर मैं इनवॉइस पे आ गया। आप देखें अब जब मैं इनवॉइस पे आऊंगा तो मेरे सामने अब डायरेक्टली जो है वो इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो खुल जाएगी। ठीक है, यहां पर अब मैं देख लेता हूं मुझे क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। 6 सितंबर डेट है, इनवॉइस नंबर ईयर कस्टमर 2 है, तो यहां पर आके मैं अपना कस्टमर 2 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरा कस्टमर 2 है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से जैसे ही मैं कस्टमर 2 सेलेक्ट करूंगा वो बाकी इंफॉर्मेशन जो भी कस्टमर की है वो खुद ब खुद सारी लिख देगा। यहां पर मैं सेंड लेटर पे क्लिक कर देता हूं। उसी तरीके से अब मेरे पास इनवॉइस नंबर ये है और 6 सितंबर डेट है और 20 सितंबर ड्यू डेट है, तो यहां पर मैं आके इनवॉइस नंबर लिख देता हूं। उसी तरीके से यहां पर मेरे पास जो डेट है वो डेट क्या है मेरे पास 6 सितंबर, यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर मैं डेट सेलेक्ट कर लेता हूं 6 सितंबर और ड्यू डेट मेरे पास कौन सी है 20 सितंबर, और यहां पर आके मैं ड्यू डेट सेलेक्ट कर लेता हूं 20 सितंबर। तो ये मैंने अपनी 20 सितंबर ड्यू डेट जो है वो सेलेक्ट कर ली। अब उसके बाद ये मुझे क्या चीज कर रहे हैं, हम क्या उसको सर्विसेज दे रहे हैं, हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं कि हम इंस्टॉलेशन कर रहे हैं एनर्जी सेविंग सोलर पैनल्स की। जो हमारी एनर्जी से रिलेटेड चीजें होती हैं जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स और हमारे फ्यूल के एक्सपेंसिस वगैरह, उसके ऊपर जो हमारा वैट होता है वो 5% होता है, रिड्यूस्ड रेट होता है, तो ये हम उसको सर्विसेज दे रहे हैं, ये उसकी डिस्क्रिप्शन है। यहां पर हम आ जाते हैं,
यहां पर अब हम प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर उसी तरीके से अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कि हम सर्विसेज दे रहे हैं और कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, ये मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया। अब इसका जो है वो अमाउंट क्या है, 1500 इसकी अमाउंट है, तो यहां पर आके हम लिख देते हैं 1500 और उसके अंदर वैट। अब क्योंकि वैट रिड्यूस्ड रेट है तो यहां पर हम 5% रिड्यूस्ड रेट वैट जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये मैंने रिड्यूस्ड रेट वैट जो है वो सेलेक्ट किया है और यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। ये देखें 1500 अमाउंट है और 75 जो है वो 5% वैट इसके ऊपर आ रहा है, तो टोटल अमाउंट 1575। यहां पर आके अब मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। तो ये हमने अब अपनी रिड्यूस्ड रेट के ऊपर जो है वो एक इनवॉइस जो है वो डायरेक्टली जो है वो पोस्ट कर दी है। तो ये हमारे पास जो है अब इनवॉइस जो है वो भी हमारे पास पोस्ट हो गई है। अब उसके बाद अगली चीज हमारे पास क्या है, आ जाते हैं हम यहां पर। अब आप देखें यहां पर मैंने अब अपनी इनवॉइस को भी जो है वो डायरेक्ट पोस्ट कर लिया है। ये वाला सेक्शन भी हमारा क्लियर हो गया, इसको भी मैं येलो कर देता हूं। अब अगली चीज है कि हम अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस, यानी कि एक साथ हम एक से ज्यादा इनवॉइसेस जो है वो किस तरीके से पोस्ट कर सकते हैं। तो चलें अब हम इस चीज को देखते हैं। अब उसी तरीके से यहां पर सबसे पहले मैं इनवॉइस के सेक्शन पे आता हूं और अब मैं क्या काम करता हूं कि मेरे पास जो जीरो रेट, एग्जेम्प्ट रेट और नो वैट, ये तीनों इनवॉइसेस जो हैं इनको मैं मल्टीपल इनवॉइसेस की सूरत में जो है वो पोस्ट कर देता हूं। अब उसी तरीके से मैं क्विक बुक के ऊपर आऊंगा। क्विक बुक पे आने के बाद यहां पर मैं न्यू ट्रांजेक्शन पे आऊंगा और यहां पर अब मैं मल्टीपल इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो आ जाऊंगा। यहां पर मैं मल्टीपल इनवॉइसेस वाले सेक्शन के ऊपर आ गया। अब आप देखें मेरे पास जो है ये एक बैच ट्रांजैक्शन की जो है वो स्क्रीन ओपन हो जाएगी, यानी कि मैं एक साथ जो है वो काफी सारी इनवॉइसेस एक ही स्क्रीन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकता हूं। अब सबसे पहले मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर अपनी जो है वो इनवॉइस खोल लेता हूं। ये मेरे पास इनवॉइस नंबर है 1007, 7 सितंबर, 21 सितंबर ड्यू डेट है और कस्टमर 3 है। तो सबसे पहले आप देखें ये मेरे पास आ रहा है इनवॉइस नंबर, ये मैंने इसका डाल दिया 1007, ठीक हो गया। यहां पर कस्टमर जो है, कस्टमर मेरे पास है कस्टमर 3, तो यहां पर मैं कस्टमर 3 जो है यहां पर मैं सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखें यहां पर मैं आ जाता हूं और यहां पर आके मैं अपना कस्टमर 3 जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं। ये मेरे पास कस्टमर 3 आ गया। जैसे ही मैंने कस्टमर 3 सेलेक्ट किया उसने उसका ईमेल एड्रेस और डिटेल्स सारी की सारी जो है वो डाल दी है। इनवॉइस डेट है 7 सितंबर और ड्यू डेट है 21 सितंबर। तो यहां पर आके मैं अपनी इनवॉइस डेट जो है, इनवॉइस डेट मैं लिख देता हूं 7 सितंबर और जो मेरी इसकी ड्यू डेट है, ड्यू डेट मेरे पास क्या है, ड्यू डेट मेरे पास है 21 सितंबर। तो यहां पर आके मैं अपनी ड्यू डेट जो है वो 21 सितंबर डाल देता हूं, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो है क्या प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हम बेच रहे हैं, अकाउंटिंग सर्विसेज है सितंबर 2024 की, यानी कि हम अपनी सर्विसेज ही जो है वो बेच रहे हैं। तो यहां पर आके मैं दोबारा से सर्विसेज सेलेक्ट कर लेता हूं, यहां पर आ जाते हैं और ये मेरे पास सर्विसेज हैं, ये मैंने सर्विसेज सेलेक्ट कर ली, ठीक हो गया। अब उसके बाद जो इसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन हमारे पास क्या है, ये डिस्क्रिप्शन मैंने लिख ली, कॉपी करके पेस्ट कर दी, ये डिस्क्रिप्शन मेरे पास आ गई। अब आगे आ जाते हैं क्वांटिटीज की क्या है, क्वांटिटी मेरे पास है 1 और इसका रेट जो है वो रेट क्या है 2000। ये ले यहां पर मैं आ गया, यहां पर मैंने आके 2000 जो है वो लिख दिया इसका रेट, इसको 2000 कर देते हैं, ये 2000 रेट हो गया, अमाउंट 2000 हो गई। सेंड लेटर, यानी कि वही बात कि हम उसको ईमेल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, हम उसको ईमेल बाद में करेंगे। अब उसके बाद यहां पर आपका टैक्स पूछ रहा है, अमाउंट के अंदर जो है वो ये पूछ रहा है टैक्स शामिल है या नहीं शामिल। हमने हमेशा जब भी इनवॉइस पोस्ट करनी है हमने कोशिश करना है कि हम हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही लें। अगर हम इंक्लूसिव ऑफ टैक्स लेंगे तो जो अमाउंट होगी उसके अंदर ऑटोमेटिकली टैक्स भी आ जाएगा। तो हमने कोशिश करनी है कि हम हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स लें, ठीक हो गया। यहां पर हमने इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स सेलेक्ट किया। अब वैट जो है हमारा, वैट क्या होगा, क्योंकि ये वाली जो इनवॉइस है अकाउंटिंग सर्विसेज की, जो भी हम सर्विसेज देंगे और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हम सर्विसेज दे रहे हैं ये हम आउटसाइड यूके दे रहे हैं, तो जो भी कोई आपकी ऐसी सर्विसेज होंगी जिनको आप एक्सपोर्ट करोगे तो उसके अंदर जो आपका वैट होगा वो जीरो रेट होगा। तो मैं यहां पर आ जाता हूं और यहां पर आके मैं अपना वैट जो है वो जो जीरो रेट है उसको सेलेक्ट कर लेता हूं। ये देखें ये मेरा 0% जेड, ये जीरो रेट वैट है, इसको मैंने जो है वो यहां पर सेलेक्ट कर लिया। तो यहां पर आप देखें मेरे पास टोटल जो है वो 2000 आ गया। अब यहां पर अटैच फाइल की भी आपके पास एक ऑप्शन होती है, अगर आप इनवॉइस को अटैच करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ अटैच
कर सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहां पर आ जाते हैं। अब आके हम अपनी जो है वो दूसरी इनवॉइस जो है उसको जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर आ जाते हैं। अब ये इनवॉइस नंबर है 1004, यहां पर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर हमने इसको सेलेक्ट कर लिया 100, इसको हम कर लेते हैं 1004। यहां पर इसको 1004 कर लेते हैं। उसके बाद कस्टमर जो है, कस्टमर हमारे पास कौन सा है, कस्टमर 4 है और 4 सितंबर डेट है। इधर आ जाते हैं, यहां पर हम आके कस्टमर 4 जो है, ये मेरे पास कस्टमर 4 है, ये मैंने कस्टमर 4 सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से जैसे ही मैं कस्टमर सेलेक्ट करूंगा वो सब कुछ खुद सेलेक्ट कर लेगा। अब डेट है 4 सितंबर और ड्यू डेट है 18 सितंबर, यहां पर मैं डेट सेलेक्ट कर लूंगा। यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके 4 सितंबर और यहां पर आके जो है हम 18 सितंबर जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आके 18 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, ये 18 सितंबर। अब उसी तरीके से यहां पर ये क्या चीजें दे रहा है, ये मेडिकल सप्लाईज जो है वो बेच रहा है। ड्यू डेट के बाद अब यहां पर हमने अपनी सर्विसेज को सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद यहां पर हम आके अपनी डिस्क्रिप्शन में हम लिख देंगे कि मेडिकल सप्लाईज। यहां पर हम आके मेडिकल सप्लाईज जो है वो लिख देते हैं और उसके बाद जो है अब हम इसी तरीके से आगे चले जाते हैं। इसकी अमाउंट हमारे पास क्या आ रही है, अमाउंट आ रही है 300 और ये एग्जेम्प्ट वैट है। यहां पर आके हम लिख देंगे अमाउंट जो कि है 300 और इसको हम कर देते हैं सेंड लेटर कि ये इसको बाद में ही जो है वो भेजे। और यहां पर आके जो है हम क्या काम करते हैं, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सी सेलेक्ट करेंगे, देखें उसी तरीके से जैसे हमने पहले किया था। और वैट में आके, क्योंकि अब ये एग्जेम्प्ट है, जो मेडिकल सप्लाईज होती हैं वो एग्जेम्प्ट होती हैं, तो यहां पर आके हम एग्जेम्प्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। उसी तरीके से यहां पर अगर आप चाहें तो अटैच भी कर सकते हैं अपनी इनवॉइस जो है। अब आ जाते हैं हम अपनी अगली इनवॉइस पे, यहां पर आते हैं। यहां पर आके आप देखें अब हमारी जो अगली इनवॉइस है, अगली इनवॉइस हमारी है इनवॉइस नंबर 1005 और इसकी जो कस्टमर है वो कस्टमर 5 है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर आके इनवॉइस है हमारे पास 1005 और यहां पर हमारे पास जो कस्टमर है वो कस्टमर है हमारे पास कस्टमर 5 हमारे पास है। यहां पर आके हम अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं कस्टमर 5। ये हमने अपना कस्टमर सेलेक्ट किया। उसी तरीके से जैसे ही कस्टमर सेलेक्ट करेंगे हमारे पास सारी चीजें जो है वो आ जाएंगी। फिर उसी तरीके से यहां पर आके जो है हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमारा इनकम अकाउंट बना हुआ है इस टाइम। और यहां पर आके हमारे पास जो है वो क्या चीज आ रही है, चैरिटी डोनेशन। यहां पर हम अपनी चैरिटी डोनेशन को कॉपी कर लेते हैं और यहां पर आके जो है वो इसको पेस्ट कर लेते हैं। यहां पर चैरिटी डोनेशन कर दिया और उसके बाद इसी तरीके से ये हमारे पास कितनी आ रही है, ये हमारे पास 1000 आ रही है और ये नो वैट है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं आपका 1000। यहां पर हमारे पास 1000 आ गया और यहां पर हम कर देते हैं सेंड लेटर उसी तरीके से कि बाद में जो है वो इसको जो है वो इनवॉइस चली जाए। उसी तरीके से यहां पर हम एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स भी जो है वो रहने देते हैं और फिर हम यहां पर आके जो है वो क्या काम कर देते हैं, यहां आते हैं और यहां आकर नो वैट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। और उसी तरीके से अगर हम यहां पर चाहें तो अपनी इनवॉइस भी अटैच कर सकते हैं। अब यहां पर आप देखें कि हमारे पास दो चीजें हैं, मेडिकल सप्लाईज और चैरिटी डोनेशन। क्योंकि मैं अभी आपको समझाने के लिए ये चीज बता रहा हूं, तो हमने बेसिकली मेडिकल सप्लाईज का जो है वो कोई अकाउंट जो है वो नहीं बनाया हुआ था जिसके अंदर ये इनकम जाती। तो क्योंकि हम ये सिंगल इनवॉइस ही पोस्ट कर रहे हैं, इसके बाद हमने मेडिकल सप्लाईज के अंदर कुछ डालना नहीं है और ना चैरिटी डोनेशन में कुछ डालना है अभी आपको समझाने के लिए, तो इसलिए मैंने इनको सर्विसेज के अंदर डाला है। अदरवाइज मुझे इसका एक अलग से अकाउंट जो है वो क्रिएट करना चाहिए मेडिकल सप्लाईज का और फिर एक डोनेशन इनकम का अकाउंट सेलेक्ट करना चाहिए और फिर उसको जो है इसके अंदर डालना चाहिए, ये सर्विसेज जहां पर मैंने लिखा हुआ है। तो इन सर्विसेज की जगह जो है यहां पर मेडिकल सप्लाईज आनी चाहिए थी और यहां पर डोनेशन इनकम। लेकिन क्योंकि अभी मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं और हमने इसके बाद इनके अंदर कोई इनवॉइस मजीद पोस्ट नहीं करनी, तो इसलिए मैंने इनका कोई अलग से अकाउंट जो है वो नहीं बनाया। यहां पर आके जो है हम इसको सेव पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। ये मैंने इसको सेव कर दिया और मेरे पास जो है अब ये मेरी जो बैच इनवॉइसेस हैं वो भी जो है मेरे पास जो है वो पोस्ट हो गई हैं।
अब आप देखें ये मेरे पास बैच ट्रांजैक्शन पोस्ट हो गई है, यहां पर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब आप यहां पर देखें मेरे पास जो है ये देखें ये कस्टमर थ्री है, ये कस्टमर थ्री की इनवॉइस पोस्ट हुई हुई है, ये कस्टमर फोर है यहां पर जो हमने उसकी इनवॉइस पोस्ट की, और इसी तरीके से यहां पर हमारे पास जो है वो कस्टमर फाइव भी आ रहा है। तो जो जो इनवॉइसेस हमने अभी बैच इनवॉइसेस के अंदर पोस्ट की थी वो अलग अलग यहां पर हमें शो हो गई हैं। अब हम चलते हैं देखें यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आके हमने अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस जो हैं उनको भी जो है वो पोस्ट कर लिया है। तो अब हमने अपनी मल्टीपल इनवॉइसेस भी पोस्ट करनी है, और इस पूरे सिनेरियो के अंदर जो है हमने वन बाय वन करके जो है ये सारी चीजें देखनी है कि कैसे कैसे हम अपनी स्टैंडर्ड रिड्यूस्ड जीरो रेट नो वैट और एग्जेम्प्ट वैट की इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करते हैं। अब आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं यहां पर मजीद जो है वो क्लियर कर देता हूं, जो मैं आपको बता रहा था एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स और इंक्लूसिव ऑफ टैक्स का। तो उससे जो है मैं आपको एक इनवॉइस जो है ना एग्जाम्पल के तौर पे वो मैं यहां पर आपको पोस्ट करके दिखा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं आता हूं न्यू ट्रांजेक्शन में, और यहां पर मैं रहता हूं इनवॉइस के अंदर। अब आप देखें यहां पर जब मैं इनवॉइस में आया मेरे सामने इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो रही है। अब ये मेरे सामने स्क्रीन ओपन हो गई। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर कह देता हूं कस्टमर वन, ठीक हो गया, ये मेरे पास कस्टमर वन है। इसी तरीके से इसकी इनवॉइस डेट जो है मेरे पास ये आ रही है 6 सितंबर, 6 अक्टूबर, ठीक हो गया, बाकी सारी चीजें सेलेक्ट हुई हैं। यहां पर आके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में फॉर एग्जांपल मैं उसको कहता हूं कि मैं उसको अपना एक मोबाइल प्लान जो है ये 150 वाला मोबाइल प्लान जो है ये सेल कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने सारा एंट्रीज अपनी डाली हुई थी कि इसके 150 वाले प्लान पे 20% वैट होगा, तो उसने ऑटोमेटिकली सब कुछ फिल किया है। और यहां पर ये 150 और ये जो टोटल अमाउंट है इसकी वो 180 आ रही है, और ये 30 वैट अलग से आ रहा है। अब आप देखें यहां पे मेरे पास जो ऑप्शन दी हुई है, यहां पर मेरे पास ऑप्शन दी हुई है एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स की। अगर मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इसको इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करता हूं, तो आप यहां पर एक चीज देखें कि इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करने से क्या काम हुआ है कि यहां पर जो इसकी अमाउंट है वो अमाउंट यहां पर क्या हो गई है, 180 हो गई है। अब इस 180 अमाउंट के अंदर जो है वो मेरा 30 जो है क्या कहते हैं वो वैट है, और अमाउंट 180 है, तो ये मुझे इस तरीके से शो होगी। अगर यहां से आके मैं इसको एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स करूंगा तो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स में आप देखें अमाउंट मुझे अलग शो होगी, वैट मुझे अलग शो होगा, और फिर उसका टोटल मुझे अलग शो होगा। यानी रहेगा तो 180 ही, वैट भी 30 रहेगा, लेकिन एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स के अंदर आपको इस तरीके से अलग अलग शो होगा। जैसे यहां पर देखें ये 150 इनवॉइस, 30 वैट, टोटल 180 एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, मींस के अमाउंट के अंदर वैट शामिल नहीं है। और इसी तरीके से अगर यहां पर आके मैं इंक्लूसिव ऑफ टैक्स करूंगा तो आप देखें ये सब टोटल 180 हो गया, टोटल भी 180 हो गया। अब यहां पर वैट जो है वो 30 आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूजन जो है वो हो जाती है एग्जैक्टली, जो है वो देखने से पता नहीं चलता कि अमाउंट कितनी है, वैट कितनी है। तो इसलिए जब भी आप करें आप हमेशा एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स ही करें, ताकि आपको अमाउंट 150 अलग शो हो रही है जैसे यहां पे, और वैट आपको अलग शो हो रहा है, टोटल इस तरीके से अलग शो हो रहा है। तो इस तरीके से जो है ये एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव का जो है वो चक्कर था। तो अब हम इसको जो है वो यहां से क्लोज कर देते हैं, और इसको हम सेव नहीं करते, यहां पर हम यस पे क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम आ जाते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ। फॉर एग्जांपल ये अब बात करते हैं हम अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस की। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो है क्या कहते हैं कोई आपकी इनवॉइस है जो कि रिपीटेडली जो है आप किसी कस्टमर को भेज रहे हैं, तो बजाय इसके कि आप उस इनवॉइस को जो है वो हर मंथ बार बार पोस्ट करें, आप एक काम करते हैं कि आप एक रिपीटिंग इनवॉइस क्रिएट करते हैं, वो ऑटोमेटिकली जब ड्यू डेट आती है तो वो इस डेट को ऑटोमेटिकली इनवॉइस जो है वो क्विक बुक्स के अंदर जो है वो पोस्ट हो जाती है। अब हम यहां पर रिपीटिंग इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो अपने आ जाते हैं। तो रिपीटिंग ट्रांजैक्शन के लिए जो है सबसे पहले आपने यहां पर राइट हैंड साइड पे आप यहां पर आ जाएंगे सेटिंग्स वाले ऑप्शन के अंदर, और यहां पर आपको एक रेकरिंग ट्रांजैक्शन जो है वो नजर आ रही होगी। यहां पर आके आप रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक करेंगे। जैसे ही आप देखें मैंने रेकरिंग ट्रांजैक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तो यहां पर मुझे एक ऑप्शन दे रहा है न्यू की। यहां पर मैं न्यू पे जो है वो क्लिक करता हूं, और अब वो आपसे पूछ रहा है कि आप कौन सी जो है वो रेकरिंग ट्रांजैक्शन पोस्ट करना चाहते हैं। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इनवॉइस की, तो यहां पर मैं इनवॉइस पे आ जाता हूं, और इनवॉइस पे आके जो है यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब मैं अपनी जो है क्या कहते हैं एक रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो क्रिएट करने लगा हूं। तो रेकरिंग इनवॉइस के अंदर आप देखें सबसे पहले जो है
मैं क्या काम करता हूं कि यहां पर आकर मैं उसी तरीके से अपना कस्टमर सेलेक्ट कर लेता हूं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कस्टमर वन, ये मैंने अपना कस्टमर जो है वो सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही यहां पर मैं अपना कस्टमर सेलेक्ट करूंगा, उसने उसी तरीके से ऑटोमेटिकली सारा काम जो है वो मेरा कर दिया, और जो मेरे थे वो रिक्वायर्ड चीजें उसको फिल कर दिया। यहां पर मैं ऑटोमेटिकली सेंड ईमेल्स के ऊपर जो है वो टिक करूंगा तो खुद ब खुद जो है वो ईमेल्स जो है वो चली जाएंगी। अभी मैं इसके ऊपर क्लिक नहीं करता क्योंकि एक्चुअली ईमेल एड्रेस तो है नहीं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इसका इंटरवल कितना है। यहां पर आप देखें, आप उसको बता सकते हैं कि इसका इंटरवल जो है वो कितना है, मींस कि ये डेली आपकी इनवॉइस पोस्ट होती है, वीकली, मंथली या हर साल होती है। तो फॉर एग्जांपल इसको मैं फिलहाल के लिए कह देता हूं कि मेरे पास जो है ये मंथली इनवॉइस जो है, क्या कहते हैं वो जो है वो पोस्ट होती है। यहां पर मैं मंथली कर देता हूं। वो कह रहा है मंथली ऑन डे, कौन से मंथ की डेट को जो है वो पोस्ट होती है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक एग्जांपल सेलेक्ट कर देता हूं कि 21st ऑफ एवरी मंथ, आज 21st सितंबर है तो यहां पर हम कहते हैं 21st ऑफ एवरी मंथ, ये जो है ये पोस्ट होगी। अब इसकी स्टार्ट डेट जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल मैं इसकी स्टार्ट डेट बता देता हूं, 21st सितंबर 2024 है। और इसकी एंड डेट, इसकी एंड डेट जो है वो क्या है, वो आप इस तरीके से बता सकते हैं बाय, यानी कि यहां पर आप एंड डेट लिख सकते हैं, और आफ्टर यानी कि कितनी अकरेंसेस के बाद जो है ये खत्म हो जाए। तो यहां पर जो है दोनों तरीके हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं बाय पे आ रहा हूं और मैं ये कहता हूं कि अगले साल 31 अगस्त 2025 यानी एक साल के लिए कह देता हूं कि ये एक साल के लिए जो है वो पोस्ट होती है, अगले साल 31 अगस्त 2025 को जो है ये मेरी रिपीटिंग इनवॉइस जो है वो बंद हो जाए। तो यहां पर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर जो है, यहां पर मैं क्या काम करता हूं, यहां पर अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, ठीक है। और मैं जी कहता हूं कि मैंने जो है ना, क्या कहते हैं, मंथली कंसल्टिंग सर्विसेज देनी है ये कस्टमर वन को। यहां पर मैं आता हूं मंथली कंसल्टिंग सर्विसेज, यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब ये वन है और इसका रेट जी मैं कह देता हूं यहां पर फॉर एग्जांपल 100 pounds है, ठीक हो गया। तो ये मेरे पास आ गया। अब उसी तरीके से यहां पर जो है मैंने वैट सेलेक्ट करना है, वैट मैं इसी तरीके से स्टैंडर्ड जो मेरा 20% है वो सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहां पर जो है मैं इस टेम्पलेट को जो है वो सेव कर लेता हूं। अब मैंने इस टेम्पलेट को जो है वो देखें यहां पर सेव कर लिया है, ये मेरे पास टेम्पलेट जो है वो सेव हो चुका है। अब इसी तरीके से मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इस टेम्पलेट को जो है मैं यूज पे क्लिक करूंगा। यहां पर जैसे ही मैं इसको यूज के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें, जैसे ही मैंने यूज पे क्लिक किया तो अब मेरे सामने जो है ये स्क्रीन ओपन होगी। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं यूज के ऊपर जो है क्या कहते हैं क्लिक करूंगा, मेरे सामने जो है आपकी इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई है, और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दूंगा। अब वो आपको यही बता रहा है कि ये, अच्छा ये एक इनवॉइस नंबर है जो कि मैं दूसरी दफा यूज कर रहा हूं, क्योंकि पहले भी एक इनवॉइस नंबर यही है, तो मैं इसको यहां से नो कर देता हूं और लेट सपोज इनवॉइस नंबर को जो है वो चेंज कर लेता हूं। ये भी ये आपको बताता है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं जी इनवॉइस नंबर कर लेता हूं 107, इसको सिर्फ ऐसे कर लेते हैं और यहां पर सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो अब आप देखें यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो मेरे पास जो है ये इनवॉइस जो है वो क्या कहते हैं पोस्ट हो गई है। अब इसका जो है आप टाइप क्या आ रही है आपके पास, स्केड्यूल्ड, यानी कि ये इंटरवल क्या है एवरी मंथ, और इसकी नेक्स्ट डेट क्या है 21 अक्टूबर। इसका मतलब है कि 21 अक्टूबर को ऑटोमेटिकली ये इनवॉइस जो है वो क्विक बुक्स के अंदर खुद ब खुद जो है वो पोस्ट हो जाएगी। तो ये हमारा सेक्शन था आपका रिपीटिंग इनवॉइसेस का सेक्शन। तो अब यहां से जो है हम अपनी रिपीटिंग इनवॉइसेस को भी जो है वो येलो कर देते हैं। तो अब हमने ये चार चीजें जो है वो देख ली हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने एक साथ काफी सारी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करना हो तो उसके लिए क्या हम मल्टीपल इनवॉइसेस यूज करेंगे, क्या हम बार बार जो है वो अपनी इनवॉइसेस को जो है वो पोस्ट करेंगे, या फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी ऐसी है जो कि हर महीने 150-160 इनवॉइसेस एक साथ डालती है तो वो क्या काम करते हैं कि वो इनवॉइसेस को जो है बजाय इसके कि वो वन बाय वन जो है वो क्विक बुक के अंदर पोस्ट करें, वो इनवॉइसेस को इम्पोर्ट करवा लेते हैं। तो अब यही वाला सेक्शन जो है इम्पोर्ट इनवॉइस का सेक्शन, इसी के बारे में जो है वो यहां पर हम बात करेंगे। तो अब इनवॉइसेस इंपोर्ट करने के लिए जो है यहां पर हम उसी तरीके से हम यहां पर आपके सेल्स में आ जाते हैं। यहां पर हम सेल्स में आ गए और यहां पर आके
अब जब मैं यहां पर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक ऑप्शन दी हुई है इंपोर्ट इनवॉइसेस की, तो मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस वाले सेक्शन पे जो है वो क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर मैंने इंपोर्ट इनवॉइसेस वाले सेक्शन के ऊपर जो है वो क्लिक किया है, तो अब आप यहां पर देखें मेरे पास जो है वो एक स्क्रीन जो है वो ओपन हुई है और वो मुझे कह रहा है कि आप एग्जाम्पल सीएसवी फाइल जो है वो देख लें कि आपने किस तरीके से जो है वो फाइल बनानी है। सबसे पहले मैं ये एग्जाम्पल फाइल जो है इसको जो है यहां से मैं अपने पास जो है वो ओपन कर लेता हूं। देखें कि इस तरीके से जो है ये सैंपल फाइल जो है वो होगी, ये मेरे पास जो है वो सैंपल फाइल जो है वो ओपन हो रही है और आप देखें ये मेरे पास सैंपल फाइल जो है यहां पर ओपन हो गई है। अब देखें इसके अंदर उसने क्या किया हुआ है, उसने सबसे पहले हमने इनवॉइस नंबर लिख देना है, फिर हमने यहां पर कस्टमर के नेम लिख देना है और ये सारे जो फील्ड्स हैं ये सारी फील्ड्स उसने फिल की हुई हैं, यानी कि एक किस्म की उन्होंने हमें एक सैंपल शीट दी है कि आपने इस फॉर्मेट के ऊपर जो है ना अपना डेटा जो है वो इस सीएसवी फाइल के अंदर डालना है, उसको जो है वो इंपोर्ट करवाना है। तो अभी हम क्या करते हैं, अभी यहां पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, इसको क्लोज करते हैं और अब जो हमने खुद से एक सैंपल फाइल बनाई है हम उसको जो है वो ओपन करते हैं। हम यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके मैं अपनी सैंपल फाइल जो है वो उसको ओपन कर लेता हूं। यहां पर आके हमने अपनी सैंपल फाइल जो है वो ओपन की। अब आप ये देखें यहां पर मैंने अपनी एक सैंपल फाइल जो है वो बनाई हुई है और मैंने इस सैंपल फाइल के अंदर सिंपल वर्ड्स में मैं बताता हूं मैंने क्या काम किया है कि मैंने जनवरी से लेके अगस्त तक मेरी जितनी भी इनवॉइसेस थी कस्टमर्स की, मैं सारी इनवॉइसेस को जो है क्विक बुक्स के अंदर अभी जो है वो एक साथ जो है वो पोस्ट करने लगा हूं। उसके लिए मैंने क्या काम किया है, मैं सबसे पहले जो है क्या कहते हैं आपको दिखा देता हूं। ये देखें यहां पर मेरी इनवॉइस डेट है 31 जनवरी और यहां पर जो मेरी आखिरी इनवॉइस डेट है वो मेरे पास 30 अगस्त जो है वो आ रही है। तो अब मैं यहां पर ऊपर चला जाता हूं। अब आप देखें यहां पर 31 जनवरी को मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एक दिखा देता हूं कि मैंने किस तरीके से बनाया है, इसको जूम इन करके, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए। यहां पर इसको और मैं जूम इन कर लेता हूं। अब आप देखें यहां पर सबसे पहले मैंने इनवॉइस नंबर लिखा जो मेरा एक सीक्वेंस से इनवॉइस नंबर आ रहा होगा, फिर मैंने यहां पर कस्टमर्स के जो है वो नेम लिखे जो मेरे पास कस्टमर्स के नेम आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये कस्टमर वन है, फिर मैंने इनवॉइस डेट लिखी, फिर मैंने ड्यू डेट लिखी। अब जिन जिन के साथ स्टेरिक के साइन बने हुए हैं ना उस फील्ड को फिल करना जो है वो जरूरी है, जिसके साथ स्टेरिक के साइन नहीं बने हुए उस फील्ड को फिल करना जरूरी नहीं है। जैसे यहां पर इनवॉइस नंबर कस्टमर इनवॉइस डेट और ड्यू डेट पे स्टेरिक का साइन है तो इनको फिल करना जरूरी है, टर्म्स के ऊपर स्टेरिक का साइन नहीं है तो जरूरी नहीं है। यहां पर खैर नेट 30 डेज है, ये मेरे पास लोकेशन आ गई इसके ऊपर स्टेरिक का साइन नहीं है मैं नहीं डाल रहा, ये मेरे पास मेमो आ गया इस फील्ड को भी हम फिल नहीं कर रहे। अब आइटम जो मेरे पास है, जो आइटम मेरे पास जीरो के अंदर है वो मैंने एज इट इज यहां पे लिख दिया। जैसे ये मेरे पास ब्रॉडबैंड प्लान 150 है, इससे नीचे मैं 300 का प्लान बेच रहा हूं, फिर मैं 600 का, ये 1000 का, तो अभी हम पहली लाइन पे ये 150 का प्लान है, ये उस आइटम की जो है वो डिस्क्रिप्शन हो गई, ठीक हो गया। उसके बाद यहां पर जो है ये इसकी क्वांटिटी हो गई, यहां पर ये आइटम का रेट हो गया और ये इसकी टोटल आइटम की अमाउंट हो गई। उसके बाद ये आइटम का टैक्स कोड क्या है, यहां पर जो है वो 20% है, फिर ये इसकी टैक्स अमाउंट आ गई 150 अमाउंट है तो 30 रुपीज इसके ऊपर टैक्स है, ठीक हो गया। सर्विस डेट यानी किस डेट को आप सर्विस दे रहे हैं, जो इनवॉइस डेट है हम एज्यूम करते हैं वही हमारी सर्विस डेट भी होगी, इसको फिल करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने जो है अपना एक सैंपल डेटा जो है वो क्रिएट किया हुआ है। तो यहां पर मैं इसको जो है वो क्लोज कर देता हूं और अब मैं क्विक बुक के अंदर आके यहां पर ब्राउज पे आता हूं और मैं इसको जो है वो ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने डेटा को जो है वो सेलेक्ट कर लिया और इसको ओपन पे क्लिक कर दिया। अच्छा, अब आपके पास यहां पर दो ऑप्शंस हैं कि क्या आप इंपोर्ट करते हुए कोई न्यू कॉन्टैक्ट जो आपके पास नहीं है उसको भी ऐड करना चाहते हैं, या कोई न्यू प्रोडक्ट और सर्विस जो आपके पास नहीं है उसको भी ऐड करना चाहते हैं। इस टाइम मैं इन दोनों पे टिक नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी वही सर्विसेज इंपोर्ट कर रहा हूं जो मेरे पास ऑलरेडी हैं और वही कस्टमर्स जो मेरे पास ऑलरेडी हैं। अभी ऐसे इंपोर्ट करूंगा, बाद में दूसरे तरीके से भी आपको इंपोर्ट करके दिखाऊंगा। अब यहां पर जो है और लिखा हुआ है कि आप 1000 रोज यानी एक टाइम में 1000 इनवॉइसेस जो हैं उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आके अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं नेक्स्ट आया तो अब ये मेरी कॉलम हेडिंग्स को जो है वो मैप करवा रहा है।
ठीक है, तो देखिए इनवॉइस नंबर के सामने इनवॉइस नंबर है, उसी तरीके से कस्टमर के सामने कस्टमर है, इनवॉइस डेट के सामने इनवॉइस डेट है। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि जो मेरा डेट का फॉर्मेट है वो क्या है। मैंने अपने डेट का फॉर्मेट रखा हुआ है डेट, मंथ और ईयर, ये वाला वाला फॉर्मेट है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसी तरीके से ये सारी जो मैपिंग है वो हुई हुई है, यानी कि आइटम और प्रोडक्ट सर्विस के आगे यही चीजें आ रही हैं सारी। और आइटम अमाउंट जो है यहां पर हम आ जाते हैं, और यहां पर वो पूछ रहा है कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या इंक्लूसिव। यहां पर हम कहते हैं कि वो एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहां पर जो है हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। जैसे ही यहां पर हम नेक्स्ट पे आएंगे तो ये मैंने 20% दिया हुआ है। मैंने यहां पर अब क्योंकि मैंने अपना कोड लिखा हुआ था 20%, तो ये क्विक बुक के अंदर जो है इस तरीके से आपने 20% स्टैंडर्ड जो है ये इसको जो है वो सेलेक्ट कर देना है। तो यहां पर मैं नेक्स्ट के ऊपर आता हूं। जैसे ही यहां पर मैं नेक्स्ट के ऊपर आता हूं तो वो मुझे कह रहा है 160 न्यू इनवॉइसेस विल बी इंपोर्टेड, यानी कि 160 नई इनवॉइसेस इंपोर्ट हो जाएंगी। तो यहां पर मैं आके स्टार्ट इंपोर्ट पे जो है वो क्लिक कर देता हूं, और अब मेरी इनवॉइसेस जो हैं वो इंपोर्ट हो रही हैं। यहां पर जो है वो लोडिंग हो रही है, और जब ये लोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तो मेरी इनवॉइसेस जो हैं वो क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर 160 इनवॉइसेस एट अ टाइम जो है वो इंपोर्ट हो जाएंगी। तो अब आप देखें ये मेरे पास मेरी 160 आउट ऑफ 160 इनवॉइसेस जो है वो एड हो गई हैं, और यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब देखें यहां पर मेरे पास पूरी 160 इनवॉइसेस जो है वो सारी की सारी इंपोर्ट हो गई हैं। अब यहां पर मैं नीचे आता हूं तो मुझे ये सारी इनवॉइसेस जो है वो शो हो रही होंगी, और आप देखें यहां पर भी मेरे पास जो है वो इस टाइम यहां पर आ रहा है कि 167 मेरे पास ओपन इनवॉइसेस हैं, मींस के जो मैंने 160 की थी वो भी मेरे पास एड होके यहां पर आ गई हैं। तो ये तो हमने बात की थी अगर हमने अपनी इनवॉइसेस को इंपोर्ट करना हो उस केस के अंदर जब हमारे कस्टमर्स भी वही हों जो ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर हैं, और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज भी वही हों जो ऑलरेडी क्विक बुक के अंदर हैं। अगर हमारे कस्टमर्स और हैं और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज और हैं और फिर हमने अपनी इनवॉइसेस को इंपोर्ट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये देखें मैंने एक एग्जांपल डाटा जो है वो उसके लिए भी बनाया हुआ है। ये मेरे पास जो है मेरी इनवॉइसेस हैं, ये मेरे पास मेरे कस्टमर्स हैं, कस्टमर 102 और 103 जो मेरे पास एड नहीं है, और ये मेरे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर एक अकाउंटिंग सर्विसेज है जो कि मेरे पास एड नहीं है। तो अब इस शीट को जो है मैं इंपोर्ट करके देखूंगा। यहां पर मैं इसको क्लोज करता हूं, यहां पर मैं आता हूं, और उसी तरीके से यहां पर आके अब मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस के ऊपर आ जाता हूं। यहां पर मैं इंपोर्ट इनवॉइसेस पे आता हूं, अब मेरे पास ये स्क्रीन ओपन हुई है। अब यहां पर मैं ब्राउज पे क्लिक करके अब अपनी जो है इसको सेलेक्ट कर लेता हूं, इसको ओके कर देता हूं, और अब देखें अब यहां पर मुझे एड न्यू कॉन्टैक्ट पे भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि मैं एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर रहा हूं जो कि पहले से क्विक बुक में नहीं है, और एड न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विस के ऊपर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर क्लिक करके यहां पर मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूं। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है अब उसी तरीके से यहां पर मैं इनवॉइस डेट का फॉर्मेट दे देता हूं, उसी तरीके से ये अमाउंट में मैं एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स कर देता हूं। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, नेक्स्ट पे आने के बाद क्योंकि ये 0% है तो यहां पर मैं 0% पे सेलेक्ट कर लेता हूं, क्योंकि मैं सर्विसेज आउटसाइड यूके दे रहा हूं तो वो 0% पे आएगा, इसको मैंने 0% सेलेक्ट कर लिया। यहां पर मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूं, और अब आप देखिए वो कह रहा है टू इनवॉइसेस इंपोर्ट होंगी, दो कस्टमर्स भी ऐड होंगे और एक प्रोडक्ट और सर्विस भी अकाउंटिंग सर्विस ऐड हो जाएगा। तो यहां पर मैं स्टार्ट इंपोर्ट पे क्लिक कर देता हूं, और अब वो मेरी टू इनवॉइसेस जो है वो इंपोर्ट हो रही हैं। तो यहां पर आप देखें कि मेरी ये दो इनवॉइसेस जो हैं वो भी ऐड हो गई हैं, दो कस्टमर्स भी मेरे पास ऐड हो गए हैं, और एक प्रोडक्ट एंड सर्विस जो है वो भी यहां पर मेरे पास ऐड होके आ गई है। तो यहां पर मैं ओके पे क्लिक कर देता हूं। तो अब जो हमने अपनी इन इनवॉइसेस को जो दो इनवॉइसेस को इंपोर्ट करवाया है, तो अब यहां पर जाके हम किसी एक इनवॉइस को ओपन करके भी देख लेते हैं। जैसे देखेंगे कस्टमर 102 है, यहां पर आके मैं जब एडिट पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो है वो इनवॉइस ओपन होगी, और देख लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर जो है वो अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर ऐड हुआ है या नहीं हुआ। तो ये मेरे पास स्क्रीन ओपन हुई है, और अब आप यहां पर देखें कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में जो है मेरे पास यहां पर अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो ऐड होके आ गया है। तो अब इसको जो है यहां पर हम क्लोज कर देते हैं, इसको इधर से हम क्लोज करते हैं ये। तो अब आपने ये भी देख लिया कि हम किस तरीके से अपनी इनवॉइसेस को जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं दोनों केसेस में, कि एक जब हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कस्टमर ऑलरेडी ऐड है क्विक बुक के अंदर, और एक केस ऐसा जिसके अंदर वो ऑलरेडी ऐड नहीं है। तो अब हम यहां पर आ जाते हैं, अब हमने अपनी इंपोर्ट इनवॉइसेस वाला सेक्शन जो है इसको भी जो है वो हमने अपना
क्लियर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आपकी सेल रिसीट की। तो इसी तरीके से हम यहां पर आ जाते हैं, और यहां पर आकर अब हम न्यू में आकर सेल रिसीट जो है वो उसको जो है वो पोस्ट करते हैं। यहां पर आए और यहां पर हम सेल रिसीट पे आ गए। अब मेरे पास जो है वो एक सेल रिसीट की जो है वो स्क्रीन जो है वो ओपन हो गई। फॉर एग्जांपल यहां पर आके हम कह देते हैं कि कस्टमर, इसी तरीके से कस्टमर वन को सेलेक्ट कर लेते हैं, वो सारी चीजें खुद ब खुद जो है वो एंटर कर लेगा। सेल रिसीट डेट यहां पर क्या है, यहां पर हम 21 सितंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, आज ही। उसके बाद अब इस केस में क्या चीज होगी कि आप किसी कस्टमर को कोई चीज सेल कर रहे हैं और वो कस्टमर एट द टाइम ही आपको पेमेंट भी कर रहा है, तो उसके लिए बजाय इसके कि आप इनवॉइस क्रिएट करें, फिर आप इनवॉइस क्रिएट करके जो है वो उस कस्टमर से पैसे रिसीव करें, तो आप डायरेक्टली जो है वो एक सेल रिसीट डाल देते हैं। अब सेल रिसीट के अंदर सबसे पहले तो आपने देखना है कि कस्टमर का पेमेंट मेथड क्या है, यानी कि क्या वो आपको डायरेक्ट डेबिट के थ्रू अपने बैंक से पैसे पे कर रहा है, क्या वो अपने क्रेडिट कार्ड से आपको पैसे पे कर रहा है, क्या वो उसने आपको कोई चेक दिया है उसके थ्रू पैसे पे कर रहा है, या कोई कैश दिया है। हम कह देते हैं कि कस्टमर ने हमें कैश जो है वो डायरेक्टली दिया है, और कैश के अंदर भी अब मैंने जितने अपने बैंक अकाउंट्स ऐड किए हैं ना, वो मुझे यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये मेरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा दूसरा बैंक अकाउंट है, ये मेरा पेटी कैश है, यानी पेटी कैश के अंदर वो पे कर रहा है, और ये मेरा एक और बैंक अकाउंट है। तो अब या तो वो पैसे हमारे बैंक के अंदर भी डिपॉजिट करवा सकता है, या वो पैसे हमें आके डायरेक्टली कैश भी दे सकता है, जिसको हम अपने पेटी कैश में रख सकते हैं। तो इस केस में हम कहते हैं यार कस्टमर को हमने सेल किया और उसने आके डायरेक्ट जो है वो हमें पैसे जो है वो दे दिए, ठीक हो गया। तो अब हम यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आते हैं, और फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि कस्टमर जो है वो हमसे एक फाइबर ऑप्टिक जो है ये केबल जो है वो खरीद के गया है। ये कस्टमर ने हमसे एक चीज खरीदी है, इसको हमने कर लिया, ठीक है। ये सारे का सारा डाटा जो है वो एंटर हो गया, और यहां पर जो है वो अमाउंट भी आ गई, ठीक हो गया। अब यानी कि कस्टमर आया, कस्टमर ने हमें पे किया, एक चीज हमसे खरीदी है, और वो डायरेक्ट हमें कैश देके चला गया, तो उसके लिए हम सेल रिसीट डाल देंगे, और यहां पर हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है क्या कहते हैं सेल रिसीट की जो है वो एक ऑप्शन थी। अब यहां पर जो है वो मैंने सेव एंड सेंड पे क्लिक किया था, तो अब वो मेरे से पूछ रहा है क्या मैं सेंड करना चाहता हूं, क्योंकि आपको पता है कि ओरिजिनल ईमेल आईडीज तो है नहीं, तो जा तो सकती नहीं। तो फिलहाल मैं इसको जो है वो यहां से क्लोज कर देता हूं, और यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं, और सेव एंड क्लोज पे यहां पे क्लिक कर देता हूं। तो ये जो है क्या कहते हैं मैंने अपनी जो है क्या कहते हैं एक सेल रिसीट जो है उसको जो है वो पोस्ट कर लिया है। अब हम यहां पर आ रहे हैं, यहां पर आके ये मेरे पास जो है वो सेल रिसीट आ गई है। अब हम बात करते हैं अपनी पेमेंट की, यानी कि अगर कोई कस्टमर जो है वो हमें पे कर रहा है, तो यहां पर मैं आ जाता हूं, यहां पर आके मैं न्यू ट्रांजैक्शन में आता हूं, और यहां पर आके मैं पेमेंट में आ जाता हूं। यहां पर आके मैं पेमेंट में आया। अब पेमेंट में आके जो है फॉर एग्जाम्पल मैं अपना कस्टमर वन जो है मैं कस्टमर वन सेलेक्ट कर लेता हूं, उसी तरीके से यहां पर मैं सेंड लेटर के ऊपर टिक कर देता हूं। पेमेंट डेट फॉर एग्जाम्पल आज की ही है। अब आप ये देखें जैसे ही मैंने पेमेंट पे क्लिक किया, कस्टमर वन पे क्लिक किया, उसकी जितनी भी ओपन इनवॉइसेस होंगी वो सारी की सारी मेरे पास आ जाएंगी। ये सारी की सारी उसकी इनवॉइसेस है, ठीक हो गया। अब जितने वो कस्टमर आपको पैसे देगा, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है अपनी पेमेंट्स को जो है वो क्लोज करते जाना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर ये एग्जाम्पल लेता हूं कि ये एक कस्टमर है और इसने जो है ना मुझे अपनी क्या कहते हैं जो इनवॉइसेस हैं जनवरी की इनवॉइस की और फरवरी की इनवॉइस के पैसे दिए हैं। जैसे कि आप देखेंगे इसकी एक जनवरी की इनवॉइस ओपन है, ये इसकी एक फरवरी की इनवॉइस ओपन है 180 की 180 की, तो ये 360 जो है ना इसने मुझे पे किया है। लेकिन अब यहां पर जो है वो एक सवाल ये आता है कि उसी तरीके से ये कस्टमर मुझे पे कैसे कर रहा है, या तो ये मुझे डायरेक्ट डेबिट से, या अपने क्रेडिट कार्ड से, या चेक से, या कैश से। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कस्टमर ने अपने अकाउंट पे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है मेरे बैंक अकाउंट के अंदर, कोई भी बैंक अकाउंट मैं सेलेक्ट कर सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस बैंक अकाउंट के अंदर जो है वो 360 मुझे पैसे भेजे हैं, और यहां पर जो है क्या कहते हैं उसने जो 360 पैसे भेजे हैं वो किस किस इनवॉइस के अगेंस्ट भेजे हैं, 1051, तो रेफरेंस में मैं 1051 और 1071, ये इसकी दो इनवॉइसेस हैं, इन दो इनवॉइसेस के अगेंस्ट इसने मुझे पैसे भेजे हैं। तो यहां पर मैं इसको टिक कर देता हूं, और यहां पर इसको टिक कर देता हूं। देखिए मैंने दो इनवॉइसेस टिक की, तो ये मेरे पास पेमेंट्स आ गई 180, 180, 360।
अब अगर इसने मुझे कम पेमेंट की होती तो यहां से मैं पेमेंट को कम भी कर सकता हूं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पर मैं 100 करूंगा तो इसकी ये पार्शियल पेमेंट हो जाएगी और ये 280 हो जाएगा, ठीक हो गया। फिलहाल के लिए मैं इसे 180 कर देता हूं। तो आप देखें ये इसने मुझे दो इनवॉइसेस के अगेंस्ट पेमेंट किया है और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें इसकी जितनी इनवॉइसेस ओपन है सारी मेरे पास आ रही हैं, तो वो जिस इनवॉइस के अगेंस्ट भी पे करेगा उस इनवॉइस को जो है वो हम यहां पर लिख देंगे, ठीक हो गया। और यहां पर आकर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे जो है वो क्लिक कर देता हूं। ये नहीं, मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास जो है क्या कहते हैं मेरी पेमेंट जो है वो भी मेरे पास रिकॉर्ड हो गई है। ये देखें ये मेरे पास पेमेंट आ रही है, यहां पर पेमेंट को भी जो है मैं टिक कर देता हूं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने टाइम चार्ज के बारे में कि ये जो हमारा टाइम चार्ज है ये टाइम चार्ज क्या होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम आ जाते हैं आपके पास यहां पर क्विक बुक पे। क्विक बुक पे आने के बाद यहां पर अब आप देखें हम आएंगे न्यू में। न्यू में आने के बाद जो है यहां पर हम आ जाते हैं अपने टाइम एक्टिविटी के अंदर। यहां मैं टाइम एक्टिविटी पे क्लिक कर देता हूं। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं टाइम एक्टिविटी के ऊपर क्लिक करूंगा मेरे पास जो है ये एक स्क्रीन जो है वो ये ओपन होके जो है वो आ जाएगी, ठीक हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि हमारी एक कंपनी है और हमारी कंपनी जो है क्या कहते हैं सितंबर के महीने में किसी कस्टमर को जो है हमने अकाउंटिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। तो यहां पर फॉर एग्जाम्पल डेट हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल 20th September, ठीक हो गया। अब यहां पर कस्टमर जो है सबसे पहले कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर वन ही सेलेक्ट कर लेते हैं, हमने कस्टमर वन सेलेक्ट कर लिया। सर्विसेज हमने जो है वो कौन सी दी हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं जी हमने अकाउंटेंसी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की हैं। अब ये जो है ना ये हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है बिल एबल आर, यानी कि पर आर हम कस्टमर को जो है वो कितना चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम कह देते हैं कि पर आर कस्टमर को हम 30 pounds जो है वो चार्ज करते हैं। अब यहां पर हमने अपना स्टार्ट और एंड टाइम जो है वो लिखना है। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम अपना स्टार्ट टाइम जो है स्टार्ट टाइम हम लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 1, और यहां पर हम अपना एंड टाइम जो है एंड टाइम हम अपना लिख देते हैं फॉर एग्जाम्पल 9, ठीक हो गया। और जो ब्रेक है यानी कि इस दौरान 1 बजे से लेकर 9 बजे तक जो हमने 20 तारीख को काम किया है इस दिन में हमने जो ब्रेक है वो कितनी देर के लिए है, ये आवर्स हैं और ये मिनट है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं 0 hour और मैंने जो है क्या कहते हैं तकरीबन 30 minutes की जो है वो ब्रेक की है। अब ये मेरे पास 30 minutes की ब्रेक हुई है तो इसका मतलब है कि जो मेरे टोटल वर्किंग आवर्स हैं 8 में से वो 7 hours और 30 minutes बने हैं, और 30 rupees के हिसाब से जो है ये 225 जो है वो मेरा रेट जो है वो बनता है। और यहाँ डिस्क्रिप्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में यहां पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अकाउंटेंसी सर्विसेस provided on 20th September 2024, ठीक है ये हमने लिख दिया। अब उसके बाद यहां पर ये जो नेम आ रहा है ना आपके पास, यहां पर देखें नेम में दो चीजें हैं, नेम में या तो आपका कोई एम्प्लॉय का नेम आएगा, ठीक हो गया, जो आपकी कंपनी का एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है, या तो फिर आपका कोई सप्लायर आएगा कि आपने सर्विसेज कहीं बाहर किसी सप्लायर से ली हुई है और वो आप आगे आउटसोर्स कर रहे हैं। तो यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर जो है मेरे पास ये सप्लायर है लेकिन यहां पर जो है ना मैं एड न्यू पे आके जो है ना क्या कहते हैं यहां पर एक एम्प्लॉय का नेम जो है ना वो यहां पर मैं ऐड कर देता हूं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैं लिख देता हूं एम्प्लॉय वन, ठीक है ये मैंने एम्प्लॉय वन जो है यहां पर ऐड कर दिया, ये मैंने एम्प्लॉय वन जो है यहां पर एक ऐड कर दिया कि मेरा एम्प्लॉय वन है वो जो है ये सर्विसेज दे रहा है। और यहां पर जो है मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। तो यहां पर आके मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो ये टाइम एक्टिविटी जो है ये हमारे पास क्रिएट हो गई है। अब आप देखें ये मेरे पास 20 सितंबर को ये एक टाइम चार्ज जो है ये यहां पर आ गया, ठीक हो गया। और ये अब मेरे पास यहां पर आ रहा है 0, अभी ये 0 pounds आ रहा है। अब जो है ना हम इसको एडिट पे जाके देखते हैं कि ये हमारे पास 0 जो है वो क्यों आ रहा है। यहां पर हम एडिट पे आते हैं, अब आप देखें यहां पर जब मैं एडिट पे आया तो ये मेरे पास यहां पर जो है बिलेबल आर में अमाउंट हो गई थी 0 जब मैंने अपना वहां से एम्प्लॉय ऐड किया होगा। तो इसको मैं दोबारा 30 कर देता हूं और यहां पर सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं।
तो अब आप देखें, अब मेरे पास ये जो टाइम चार्ज आ रहा है ये मेरे पास 225 आ रहा है और ये ओपन आ रहा है, ठीक हो गया। अब यहां पर मेरे पास एक ऑप्शन है कि मैं इस टाइम को जो है वो इनवॉइस के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर दूं। तो यहां पर आके मैं कन्वर्ट टू इनवॉइस पे आ रहा था, और जैसे ही मैं कन्वर्ट टू इनवॉइस पे आऊंगा तो मेरे पास जो है वो एक इनवॉइस की स्क्रीन जो है वो मेरे पास ओपन हो जाएगी। यहां पर आप देखें मेरे पास इनवॉइस की स्क्रीन आ जाएगी, ये मेरे पास जो है वो इनवॉइस की जो है वो स्क्रीन ओपन हो गई है। यहां पर अब आप देखें ये मेरे पास इनवॉइस की स्क्रीन ओपन हो गई है। वही देखें आप, सर्विस डेट है 20 सितंबर, अकाउंटेंसी सर्विसेज, ये डिस्क्रिप्शन है, 7:30 और 30 रेट है, और ये सारी चीजें मेरे पास जो है वो आ रही हैं। यहां पर अब मैं इसको जब सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास मेरे टाइम चार्ट से जो है वो इनवॉइस जो है वो क्रिएट हो जाएगी। अब यहां पर जो है ना वो मुझे कुछ कह रहा है समथिंग नॉट राइट, मैंने अपना वैट जो है वो सेलेक्ट नहीं किया हुआ। तो यहां पर मैं आ रहा हूं और यहां पर आके जाहिर बात है मैं अपनी सर्विसेज दे रहा हूं। मैं कहता हूं मैं अपनी सर्विसेज अगर तो विद इन यूके दे रहा हूं तो मैं अपना वैट चार्ज करूंगा, अगर आउटसाइड यूके दे रहा हूं तो मैं वैट चार्ज नहीं करूंगा। यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं कि ये सर्विसेज मैं विद इन यूके दे रहा हूं तो इसके अंदर जो है मैं वैट चार्ज कर लेता हूं 20%, और यहां पर जो है मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। अब आप देखिए मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास जो मेरी इनवॉइस है वो जो है वो क्रिएट हो चुकी है टाइम चार्ज से। आप ये देखें यहां पर मैं आया और ये मेरे पास इनवॉइस जो है ये आप देखें ये 270 की इनवॉइस मेरे पास क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो हम यहां पर आ जाते हैं, इधर आ जाते हैं, और ये मेरा जो है ये टाइम चार्ज जो है ये भी मेरा टाइम चार्ज भी जो है वो भी मेरा हो गया है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक हमारा अभी इसके अंदर जो हमने अपनी इनवॉइसेस के अंदर करना है, जो इनवॉइसेस पोस्ट कर रहे हैं उसमें है डिलेड चार्ज का। अब ये डिलेड चार्ज होता क्या है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा और उसके बाद जो है चल के हम इसको क्विक बुक के अंदर जो है वो देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो जो है ना क्या कहते हैं, मैं आपको डिलेड चार्ज के बारे में बता दूं। डिलेड चार्ज जो है ना बेसिकली क्विक बुक के अंदर एक ऐसी नॉन पोस्टिंग ट्रांजैक्शन होती है जो कि पोस्ट नहीं होती, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी कस्टमर को फ्यूचर के अंदर कोई प्रोडक्ट और सर्विसेज देनी है तो उसके लिए जो है वो क्या कहते हैं आप डिलेड चार्ज जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और जब आप उसको वो सर्विस दे चुकते हैं तो उसके बाद आप उसको उस टाइम पीरियड में जब आप उसको इनवॉइस करना चाहते हैं तो उसको इनवॉइस में जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अभी जब हम क्विक बुक के अंदर करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम करते हैं। ये बेसिकली डिलेड चार्ज जो है वो पोस्ट किया क्यों जाता है, इसकी जरूरत क्यों पेश आती है। अगर हमने अपने सबसे पहले नंबर पे हम जो हमारे फ्यूचर रेवेन्यूज होते हैं उसको ट्रैक करने के लिए कि फ्यूचर के अंदर हमने किस किस को सर्विसेज देनी और कितना रेवेन्यू हमारे पास आना है, उस पर्पज के लिए जो है ना हम ये डिलेड चार्ज जो है ना वो क्रिएट करते हैं। और सबसे पहले दूसरे नंबर पे कि ये एक नॉन पोस्टिंग एंट्री होती है, मतलब ये हमारे अकाउंट्स को हिट नहीं करती जब तक कि हम इसको इनवॉइस में क्रिएट ना करें। ये सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस होल्डर के तौर पे रहती है जो कि हमें बताती रहती है कि हमें फ्यूचर में इतने पैसे जो हैं वो आने के चांसेस हैं, जिससे हम अपने कैश फ्लो को जो है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और फॉर एग्जाम्पल ये कुछ केसेस के अंदर पार्शियल इनवॉइसिस के लिए भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक कस्टमर मल्टीपल चीजें जो है उनसे परचेज कर रहा है टाइम बाय टाइम तो उसको भी जो है हम वो डिलेड चार्ज के जरिए जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अब जो है क्या कहते हैं हम चलते हैं क्विक बुक के अंदर और क्विक बुक के अंदर देखते हैं कि हम इसको कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर न्यू में आएंगे और यहां पर न्यू में आके यहां पर अब हम ये देखें यहां पर हम न्यू में आते हैं और यहां पर आके हम डिलेड चार्ज पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। यहां पर हम डिलेड चार्ज पे आए, मैंने डिलेड चार्ज पे क्लिक किया, अब मेरे पास जो है वो एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहां पर मेरे पास एक स्क्रीन ओपन हो रही है। फॉर एग्जांपल अब यहां पर उसी तरीके से हम अपना कस्टमर वन जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, एक चीज। दूसरी चीज, अब हम इस केस में क्या एज्यूम कर रहे हैं, हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि ये कस्टमर जो है मेरे से 1 अक्टूबर में एक कंसल्टिंग सर्विसेज जो है वो मेरे से लेगा 500 की। तो अभी ये जो है हमारी कस्टमर के साथ बात हो गई है कि कस्टमर हमसे 500 की सर्विसेज लेगा, ली नहीं है, ठीक हो गया। तो अब हमें पता है कि हमने उसको 1 अक्टूबर में जो है वो कोई ना कोई इनवॉइस करनी है तो उसके लिए जो है ना हम एक डिलेड चार्ज क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल यहां पर हम आ जाते हैं, यहां पर आके हम अपनी सर्विसेज को जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं और यहां पर हम लिख देते हैं जी फॉर एग्जांपल कंसल्टिंग सर्विसेज, हम उसको दे रहे हैं अक्टूबर के मंथ के लिए, ये हमने उसको कंसल्टिंग सर्विसेज दी। और ये कंसल्टिंग सर्विसेज कितने की हैं, फॉर एग्जांपल 500 की हैं।
500 की, यहां पर हम वैट ले लेते हैं 20% और इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब ये मैंने जो है एक डिलेड चार्ज जो है मैंने अपना 21 सितंबर को क्रिएट कर लिया है, ठीक है। ये मेरे पास 21 सितंबर को एक डिलेड चार्ज जो है वो आ गया है, यानी कि अब मैंने एक एस्टिमेट बना लिया कि यार इस बंदे को मैंने 1 अक्टूबर को जो है ना वो इनवॉइस करनी है, इसने मेरे से सर्विसेज लेनी है। अब उसी तरीके से डिलेड चार्ज भी अभी तक ये डिलेड चार्ज ओपन है और ये आपके अकाउंट्स के अंदर कहीं पे भी हिट नहीं हुआ, ये सिर्फ अभी आपने सिर्फ क्रिएट किया हुआ है अपने फ्यूचर रेवेन्यूज को प्रिडिक्ट करने के लिए, जिससे मुझे ये पता चल रहा है कि मुझे अक्टूबर में 600 रुपए जो है वो आएंगे। अब इसको मैं इनवॉइस में भी क्रिएट कर सकता हूं, किस तरीके से, यहां पर मैं क्रिएट इनवॉइस पे आऊंगा। यहां पर क्रिएट इनवॉइस पे आने के बाद जो है यहां पर आप देखें, यहां पर मैं क्रिएट इनवॉइस में आया, क्रिएट इनवॉइस में आने के बाद अब यहां पर अब आप अपनी इनवॉइस जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, उसने सारी चीजें ली हुई हैं। यहां पर अब आप देखें इनवॉइस रेट, जैसे ही आप देखें 1 अक्टूबर आएगी, हम 1 अक्टूबर के अंदर जब वो टाइम आएगा हम इसकी जो है वो इनवॉइस में क्रिएट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने इनवॉइस बना ली, ये सारी चीजें जो है वो यहां पर आ रही हैं और इसको मैं अब सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर दिया। अब आप देखें ये मेरे पास जो है वो इनवॉइस सेव हो गई है और अब ये जो मेरा डिलेड चार्ज है, जो मेरे पास डिलेड चार्ज था, ये कन्वर्ट हो चुका है। किसके अंदर कन्वर्ट हो चुका है? इनवॉइस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है और उस इनवॉइस की डेट जो है वो 1 अक्टूबर है। इनवॉइस तो मुझे उस टाइम पोस्ट करनी चाहिए थी जब वो डेट आती, अभी मैंने आपको समझाने के लिए जो है ये इनवॉइस जो है वो पोस्ट की है। तो ये जो है क्या कहते हैं हमारा ओवरऑल जो है, अब ये सारा जो है हमारा ओवरऑल एक अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के अंदर डिलेड चार्ज भी हो गया। ये हमारा था कि किस किस तरीके से हम अपनी इनवॉइसेस को जो है वो क्विक बुक्स ऑनलाइन के अंदर जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो ये एक पूरा जो है वो डिटेल इसका जो है वो मैंने आपको बता दी है। अब इसमें नेक्स्ट चीज आती है कि जो हम अपनी पेमेंट रिसीव्ड करते हैं कस्टमर से, जैसे कि अभी भी हमने देखा था पेमेंट्स के अंदर जाके कि हम कस्टमर से पेमेंट रिसीव कर लेते हैं, या तो कस्टमर हमें कैश दे देता है या हमें बैंक के अंदर पैसे दे देता है। उसी तरीके से देखें, ये आपकी कैश पेमेंट है या कस्टमर डायरेक्ट आपके बैंक के अंदर पैसे डिपॉजिट करवा देता है या कस्टमर आपको चेक दे देता है या आप पेमेंट रिसीव करते हैं डिफरेंट पेमेंट गेटवे से, फॉर एग्जाम्पल पेपॉल, स्ट्राइप, गो कार्डलेस। इनको जो है हम आगे चल के जब हम अपने बैंकिंग के सेक्शन में आएंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं। जैसे आप पार्शियल पेमेंट रिसीव कर लेते हैं किसी कस्टमर से, आपकी 180 की इनवॉइस है, कस्टमर ने आपको 100 पे कर दिया, ये पार्शियल पेमेंट है। और इसी तरीके से मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट जैसे आप पेमेंट रिसीव करते हैं, जैसे अभी हमने की थी 360 pounds रिसीव किए थे 2 invoices के अगेंस्ट, तो वो चीज है। तो ये पेमेंट जो हम रिसीव करते हैं कस्टमर से ये वो है, बाकी इसको ओवरऑल जब हम बैंकिंग सेक्शन के अंदर आएंगे तो इसको डिटेल के अंदर जो है वहां पर हम जाकर देखेंगे। और अब जो है अब हम अपनी नेक्स्ट बात करेंगे आपके क्रेडिट नोट के बारे में। इसी तरीके से अब हम वन बाय वन जो है वो देखेंगे कि किस तरीके से हम अपने क्रेडिट नोट को जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, सबसे पहली चीज है फुली एलोकेट। फॉर एग्जांपल आपकी एक इनवॉइस है और आप अपनी इनवॉइस को जो है वो फुली जो है वो क्रेडिट नोट के थ्रू जो है वो एलोकेट करवा दें। फिर होता है आपका पार्शली एलोकेट। फॉर एग्जांपल आपकी इनवॉइस है 180 की, लेकिन आप उसमें से 80-90 जो है वो आप क्रेडिट नोट रेस करें तो 80-90 आपकी इनवॉइस के साथ एलोकेट हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगी वो 90 बन जाएगी। उसी तरीके से आपका एक जो क्रेडिट नोट होता है वो आपका क्रेडिट नोट होता है आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए। वो जो क्रेडिट नोट आपका क्रिएट होता है वो आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के लिए जो है वो क्रिएट होता है। तो एक चीज आपकी ये होती है और एक आपका होता है रिफंड रिसीट। रिफंड रिसीट क्या चीज होती है? फॉर एग्जांपल कि अब आपने जो है क्या कहते हैं कस्टमर को एक सेल की और कस्टमर ने जो है वो आपको पेमेंट कर दी, लेकिन अब बाद में पता चला कि ये जो आपको कस्टमर ने क्या कहते हैं पेमेंट की है, ये पेमेंट जो कस्टमर ने आपको की है ये तो अब आपने कस्टमर को सर्विसेज देनी नहीं है, तो उस केस के अंदर आपको कस्टमर को जो है वो रिफंड करना पड़ता है और इसको बोलते हैं रिफंड रिसीट। और फिर इसी तरीके से हम एंड में बात करेंगे डिलेड क्रेडिट के बारे में। तो जैसे हमने अपनी इनवॉइसेस को देखा था उसी तरीके से हम वन बाय वन अपने क्रेडिट नोट को भी जो है वो
देखते हैं। सबसे पहले जो है ना क्या कहते हैं, हम आ जाते हैं अपने क्रेडिट नोट पे जो कि हमारा फुली एलोकेट हो रहा होगा। यहां पर हम आ जाते हैं क्विक बुक के अंदर। उसी तरीके से हम यहां पर न्यू में आ जाते हैं और न्यू में आके जो है एक क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट कर देते हैं। यहां हम क्रेडिट नोट पे आते हैं। क्रेडिट नोट पे आने के बाद जो है यहां पर अब उसी तरीके से हम सेलेक्ट कर लेते हैं आपका कस्टमर वन। जैसे यहां पर मैंने कस्टमर वन सेलेक्ट किया, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है मेरे पास आ गई, ठीक हो गया। क्रेडिट नोट की जो डेट है वो क्या है, डेट हम आज की सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद अब ये आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है वो क्या है, फॉर एग्जांपल हमने कस्टमर वन को जो है ना फॉर एग्जांपल 150 प्लान बेचा था, तो 150 प्लान का ही जो है ना हम क्रेडिट नोट जो है वो कस्टमर को एलोकेट कर रहे हैं। यहां पर ये चीज आ गई और अब ये क्रेडिट नोट जो है वो मेरे पास पोस्ट हो गया। यहां पर आके अब मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। यहां पर मैंने आके इसको सेव एंड क्लोज किया। अब आप देखें जैसे ही मैंने क्रेडिट नोट पोस्ट किया है, क्विक बुक क्या काम करता है कि जैसे ही आप कोई क्रेडिट नोट पोस्ट करते हैं और वो एग्जैक्टली किसी इनवॉइस से मैच हो रहा होता है तो क्विक बुक ऑटोमेटिकली खुद ही उसको जो है वो जाके एलोकेट करवा देता है। जैसे आप ये देखें यहां पर मैंने ये क्रेडिट नोट पोस्ट किया था 180 का और उसने इसको अप्लाई भी करवा दिया है, यानी कि इसको खुद ही जो है वो अप्लाई करवा दिया गया है इस क्रेडिट नोट को। और यहां पर आप देखें कि किसके साथ अप्लाई करवाया गया, यहां पर क्लोज, ये इनवॉइस थी, इसको क्लोज कर दिया गया होगा। अब ये देखने के लिए कि क्विक बुक ने इसको खुद ब खुद किसके साथ एलोकेट करवाया है, यहां पर जो है हम व्यू एंड एडिट के ऊपर आ जाते हैं। आप देखें जैसे ही यहां पर मैं व्यू एंड एडिट के ऊपर आया, मैंने इसको ओपन किया, आप देखें ये मेरे पास क्रेडिट नोट था और ये 180 का क्रेडिट नोट था। यहां पर ये देखें मेरे पास जो है वो रिफंड स्टेटस पेड लिखा हुआ है और ये मेरे पास वन पेमेंट है। यहां पर मैं वन पेमेंट के ऊपर आता हूं और इसके ऊपर आ जाता हूं। अब यहां पर जो है मैं जब आया तो आप ये देखें कि क्विक बुक ने ऑटोमेटिकली जो आपकी सबसे पुरानी इनवॉइस थी इस कस्टमर की 180 की, उसके साथ इसको एलोकेट करवाया हुआ है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी एलोकेशन किसी और के साथ करवाएं तो वो आप इसकी एलोकेशन किसी और के साथ जो है वो खुद से भी जो है वो करवा सकते हैं। तो यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर मैंने इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। तो ये तो था कि हमने क्रेडिट नोट पोस्ट किया और खुद ब खुद क्रेडिट नोट जो है वो क्विक बुक ने उठा के जो है वो एलोकेट करवा दिया, क्योंकि ये फुली एलोकेट था, 180 की अमाउंट थी, इसलिए क्विक बुक को पता था कि 180 की अमाउंट है और एक ओल्ड इनवॉइस 180 की पड़ी हुई है, तो क्विक बुक ने खुद ही उसके साथ जाके जो है वो एलोकेट करवा दिया। और इसको देखने के लिए ये जो आपके पास पेमेंट का सेक्शन दिया हुआ है, यहां पर आके आप इसको जो है वो व्यू कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अगले स्टेप के बारे में। यहां पर ये तो हो गया हमारा क्रेडिट नोट जो कि हमने फुली एलोकेट करवाया था। अब हम बात करते हैं अपने क्रेडिट नोट की पार्शली एलोकेट की, मींस कि हमने क्रेडिट नोट एलोकेट तो करवाना है लेकिन पार्शली एलोकेट करवाना है। अब वो किस तरीके से हम करेंगे, वो हम यहां पर आ जाते हैं और उसी तरीके से यहां पर न्यू में आ जाता हूं मैं और न्यू में आके क्रेडिट नोट जो है वो पोस्ट करता हूं। अब पहले तो मैंने क्या काम किया था, 180 की इनवॉइस थी तो 180 पोस्ट किया था, तो उसने खुद ही जाके उसको एलोकेट करवा दिया। आप चाहें तो जाके उसकी एलोकेशन खत्म करके अपनी मर्जी से भी उसकी एलोकेशन करवा सकते हैं। अब यहां पर उसी तरीके से मैं कस्टमर वन जो है वो कस्टमर वन ले लेता हूं, ये मेरे पास आ गया। यहां पर मैं सेंड लेटर पर क्लिक कर देता हूं। अब इसी तरीके से यहां पर आके मैं प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर आके यहां पर मैं लिख देता हूं जी आपका 150, ये रहा। और अब जो मैं अमाउंट लिखता हूं, फॉर एग्जांपल मैं यहां पर अमाउंट लिख देता हूं, लेट सपोज 75, ये मैंने 75 की अमाउंट लिख दी, ठीक है। और अब यहां पर मैं इसको सेव एंड क्लोज पे क्लिक करवा देता हूं। अब ये मैंने क्रेडिट नोट पोस्ट किया 75 को और 15 वैट है, तो टोटल 90 का क्रेडिट नोट जो है वो मैंने यहां पर जो है वो पोस्ट किया है, ठीक है। अब यहां पर मैं आ जाता हूं और ये देखें इसी तरीके से ये कस्टमर वन है और ये 90 है, ठीक हो गया, ये इसने अप्लाई किया हुआ है और उसी तरीके से ये ऊपर जो है वो इसकी पेमेंट मेरे पास दी हुई है। अब मैं यहां पर आता हूं और यहां पर आके इसको व्यू पे चेक करता हूं कि क्या चीज है। ये मेरे पास आप देखें ओपन होगा,
और यहां पर आप देखें अब उसने क्या काम किया है, खुद ब खुद जो आपकी सबसे पुरानी इनवॉइस है क्विक बुक ने यहां पर 90 जो है वो एलोकेट करवा दिया है सबसे पुरानी इनवॉइस के साथ। आप चाहें तो आप इसकी एलोकेशन चेंज भी कर सकते हैं, इसको किसी और इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो भी आप एलोकेट करवा सकते हैं। ठीक हो गया, अब यहां पर मैं इसको जो है वो सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। ये मेरे पास जो है ना क्या कहते हैं क्रेडिट नोट हो गया जो कि पार्शली जो है वो एलोकेट हो रहा है। तो यहां पर हम आ जाते हैं, ये हमारे पास पार्शली एलोकेट की एग्जाम्पल थी, ये ने ठीक हो गया। ये आप समझें कि ये क्विक बुक का एक ऐसा फीचर है जिसके अंदर खुद ब खुद जो है वो क्विक बुक जो है वो इनवॉइसेस को जो है वो आपस में एलोकेशन जो है वो उसकी करवा देता है। ठीक है, अदर देन दैट अगर आप जीरो की बात करें तो जीरो के अंदर आपको जो है वो उसको खुद से एलोकेट करवाना पड़ता है, यहां पर वो खुद ब खुद जो है वो एलोकेट कर देता है, आप जाके बाद में उसकी एलोकेशन जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एक ऐसा क्रेडिट नोट जो के आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के अगेंस्ट जो है वो एलोकेट हो। हमने बात कर ली कि एक ऐसा क्रेडिट नोट जो फुली एलोकेट हो, एक ऐसा क्रेडिट नोट जो के आपका पार्शली एलोकेट हो। अब हम बात करेंगे एक ऐसे क्रेडिट नोट की जो के आपकी मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ जो है वो एलोकेट हो जाएगा। उसके अंदर हम क्या काम करते हैं, उसी तरीके से हम यहां पर आते हैं, यहां पर आके हम क्रेडिट नोट में आते हैं और यहां पर क्रेडिट नोट में आके फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर जो है क्या कहते हैं हम कस्टमर वन सेलेक्ट करते हैं, कस्टमर वन को हम करते हैं जी सेंड लेटर। इसी तरीके से यहां पर हम आते हैं, यहां पर आके हम इसकी सर्विसेज लेते हैं 150, ठीक हो गया। एक हम इसका ये एलोकेट करवाते हैं, ठीक हो गया, प्लान पूरे का पूरा। दूसरा हम यहां पर आते हैं, हमने आपको याद होगा कि सबसे पहले जो अपनी एक इनवॉइस पोस्ट की थी ये कस्टमर वन की, अब थोड़ा मैं जरा डिफरेंट करने लगा हूं ताकि आपको पता चले कि मल्टीपल के साथ कैसे होता है। ये कंसल्टिंग सर्विसेज जो है ना, ये सर्विसेज जो हमने इस कस्टमर को दी थी ना 1200 की, ये भी जो है ना हमने इसको खत्म करवानी है। तो अब ये मैं इसकी दूसरी लाइन पे आता हूं और यहां पर आके मैं सर्विसेज सेलेक्ट करता हूं, ठीक है, और यहां पर आके जो है मैं डिस्क्रिप्शन में कंसल्टिंग सर्विसेज लिख देता हूं और ये थी 1000 की और इसके ऊपर जो वैट था 20% स्टैंडर्ड, तो ये 1200 की। तो अब ये टोटल मेरे पास जो क्रेडिट नोट है ये मेरे पास 1380 का जो है वो क्रेडिट नोट इस टाइम मेरे पास जो है वो पड़ा हुआ है। अब मैं यहां पर इसको सेव एंड क्लोज करता हूं और ये देखता हूं कि क्विक बुक इसको किस तरीके से एलोकेट करवाता है, क्या सही एलोकेट करवाता है या वहां पर चेंजिंग होती है, क्योंकि अब टेक्निकली ये 1200 वाली इनवॉइस क्रेडिट नोट जो है ये मेरी जो 1200 वाली इनवॉइस है उसके साथ एलोकेट होना चाहिए और ये जो मेरा 180 वाला क्रेडिट नोट है ये प्लान वाला, ये जो मेरी सबसे ओल्ड इनवॉइसेस हैं उनके साथ जो है वो एलोकेट होना चाहिए। तो यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं, यहां पर इसको मैंने सेव एंड क्लोज के ऊपर जो है वो क्लिक कर दिया। अब यहां पर जब सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया तो आप ये देखें ये जो मेरा क्रेडिट नोट था ये खुद ब खुद अप्लाई भी हो गया और यहां पे ये क्लोज हो रहा है। अब मैं इसको जाके देखता हूं कि इसकी एलोकेशन क्विक बुक ने कैसे करवाई है, क्या क्विक बुक ने सही करवाई है या इसकी मुझे एलोकेशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो अब आप देखें यहां पर मेरे पास जो है वो ओपन हो गया और देखें यहां पर अब ये जो एलोकेशन हुई है क्विक बुक ने जो करवाई है वो एलोकेशन गलत है, क्योंकि यहां पर देखें क्विक बुक ने जो सबसे पुरानी इनवॉइसेस थी उनके साथ इसको एलोकेट करवा दिया है जबकि ये गलत है। ठीक हो गया, यहां पर मैं इसको हटा देता हूं। सबसे पहले तो आप देखें जो मैंने 1200 था, 1200 तो मेरा इस इनवॉइस के अगेंस्ट एलोकेट होना चाहिए ना, क्योंकि जो मैंने क्रेडिट नोट एलोकेट किया वो तो इस इनवॉइस के अगेंस्ट किया है, तो 1200 मेरा ये हो गया। इसका मतलब है कि क्विक बुक सिर्फ और सिर्फ क्या काम करता है कि जब भी क्रेडिट नोट पोस्ट करता है जो सबसे पुरानी इनवॉइसेस होती हैं ऑटोमेटिकली उनके साथ जाके ही जो है वो उसको एलोकेट करवा देता है, जबकि अब इसकी सही एलोकेशन क्या थी कि 1200 इसके साथ एलोकेट होना चाहिए था, 90 इसके साथ एलोकेट होना चाहिए था जो कि इनवॉइस बचती थी पूरी की पूरी, और बाकी इस इनवॉइस के साथ जो है वो 90 जो है वो इस इनवॉइस के साथ एलोकेट होना चाहिए था। तो ये 1380 की पेमेंट थी और ये 1380 जो है वो इस तरीके से एलोकेट होना चाहिए था। और यहां पर जो है वो आके अब आप सेव एंड क्लोज क्रेडिट नोट, यहां पर इसको क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करेंगे 1380 वाले को, ठीक हो गया, यहां पर आके अब सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे, मीन्स
कि ये क्रेडिट नोट है 1380 का और ये किस किस के साथ एलोकेट हुआ है, 1200 इसके साथ, 90 इसके साथ, 90 इसके साथ। और यहां पर आके अब हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देंगे। द ट्रांजेक्शन यू आर एडिटिंग इज लिंक्ड टू अदर्स, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू मॉडिफाई इट? यस, हम इसको मॉडिफाई करना चाहते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस तरीके से एलोकेट हो, हम इस तरीके से इसकी एलोकेशन करना चाहते हैं। अब आप देखें, अब जब यहां पर मैं व्यू और एडिट के ऊपर आऊंगा, मैंने इसकी एलोकेशन कर दी है और अब जब मैं इसको देखूंगा तो ये एलोकेशन वही एलोकेशन हुई हुई होगी जो एलोकेशन हमने की है। यहां पर हम आ जाते हैं, ये देखें, ये एलोकेशन 90, 90 और 1200, तो ये वही एलोकेशन है, ठीक है, जो हमने की थी। अब हम इसको कर देते हैं क्लोज, यहां पर आ जाते हैं, यहां पर आके जो है अब ये एलोकेट करवाया था हमने मल्टीपल इनवॉइसेस के साथ, यहां पर हम इसको जो है वो क्लिक कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम बात करते हैं अपने रिफंड रिसीट के बारे में, यानी कि अब हम एक ऐसी कंडीशन के ऊपर आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल कि एक कस्टमर था, कस्टमर को हमने सेल की, कस्टमर ने जो है कि कहते हैं हमें पैसे दे दिए, हमको कस्टमर ने पैसे दे दिए। अब हमने जो पैसे लिए कस्टमर से, तो हमें ये चीज पता चली कि यार वो जो कस्टमर ने हमें पैसे दिए थे, वो पैसे कस्टमर ने हमें गलत दिए थे और वो पैसे अब हमें कस्टमर को वापस करने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिरी बात है आपने एक सेल की, सेल के अगेंस्ट पैसे ले लिए, तो जाहिरी बात है जब सेल के अगेंस्ट आपने पैसे ले लिए तो वो तो सेल क्लोज हो गई आपकी, वो इनवॉइस तो एलोकेट हो गई। अब आपने दोबारा से कस्टमर को जो है वो पैसे रिफंड करने हैं, तो उसके लिए रिफंड रिसीट जो है वो यूज होता है। अब वो हम किस तरीके से करेंगे वो हम देख लेते हैं, वो हम यहां पर आते हैं। सबसे पहले जो है ना, हम एक सिनेरियो जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहां पर आते हैं और एक इनवॉइस जो है वो पोस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल इधर आते हैं इनवॉइस पे, यहां इनवॉइस पे आए, इनवॉइस पे आके जो है कस्टमर पे आए, ये कस्टमर ने जो है क्या कहते हैं, फॉर एग्जांपल हमें जो है ये कस्टमर नंबर आप कह लें कि कस्टमर नंबर 21, ये कस्टमर नंबर 21 है, ये कस्टमर नंबर 21 को हमने एक इनवॉइस की, ठीक है, 21 सितंबर को, लेट सपोज हम कहते हैं जी हमने 1 सितंबर को इनवॉइस की, इसे 1 सितंबर को इसे इनवॉइस की, हमने जी कस्टमर को कहा कि हम जो है ना आपको कोई सी भी सर्विसेज देंगे, फॉर एग्जांपल हम कह देते हैं जी अकाउंटिंग सर्विसेज देंगे, ठीक है जी, ये डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं अकाउंटेंसी सर्विसेज, ठीक है, यहां पर जी हम कह देते हैं जी 100, वैट रेट जी हम कह देते हैं विद इन यूके दे रहे हैं तो 20%, आउटसाइड यूके दे रहे होते हैं तो 0%, ठीक है, विद इन यूके दे रहे हैं। ये हमने कस्टमर को जो है ना एक इनवॉइस कर दी, यहां पर जो है ना हम इसको कर देते हैं सेव एंड क्लोज, कस्टमर 21 को ये हमने 1 सितंबर को कर दिया इसको इनवॉइस, ठीक हो गया। अब ये सेव एंड क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, 1219 इनवॉइस है, ठीक हो गया, यहां पर हम 1 सितंबर पे आ जाते हैं, ये 1 सितंबर पे 1219 इनवॉइस कस्टमर 21 की, इससे जो है हम पेमेंट रिसीव कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इस कस्टमर से जो है वो हमने पेमेंट रिसीव कर ली, यहां पर हम रिसीव पेमेंट पे आ जाते हैं। अब रिसीव पेमेंट पे आने के बाद फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि इस कस्टमर ने जो है हमें 15 सितंबर को, लेट्स सपोज 15 सितंबर को इस कस्टमर ने हमारे डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है हमारे बैंक के अंदर पैसे भेज दिए थे, ठीक हो गया। यहां पर हम इसको इनवॉइस हमने सेलेक्ट की हुई है 120 की, यानी ये 120 रुपए इस कस्टमर ने जो है अपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू हमारे अकाउंट में जो है वो भेज दिए थे। और रेफरेंस क्या था, रेफरेंस इनवॉइस, रेफरेंस लिख देते हैं यानी 1219 इनवॉइस के अगेंस्ट भेजे थे। और यहां पर हम इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। अब ये देखें, यहां पर मैंने सेव एंड क्लोज किया, तो अब आप यहां पर देखें कि मेरे पास जो 1219 इनवॉइस है ये मेरे पास क्या हो गई, पेड हो गई। अभी हमने एक इनवॉइस क्रिएट की और ये पेड हो गई। बाद में हम ये अज्यूम करते हैं कि कुछ दिनों बाद ये हुआ कि जो हमने उसको अकाउंटेंसी सर्विसेज देनी थी वो हमने उसको दी ही नहीं, हमने उसको इनवॉइस की, उसने हमें पेमेंट की, अब हमने उसे सर्विसेज नहीं दी, अब हमने उसको पैसे वापस करने हैं। तो ये पैसे हम वापस किस तरीके से करेंगे, इन पैसों को वापस करने के लिए जो है जो चीज होती है वो हम करते हैं रिफंड रिसीट, ठीक हो गया। यहां पर हम आ जाते हैं और रिफंड रिसीट पे जो है वो क्लिक कर देते हैं। ये हमने रिफंड रिसीट पे क्लिक किया, ये मेरे पास रिफंड रिसीट जो है वो ओपन हो जाएगी। और अब उस कस्टमर को जो है, हम कौन सा कस्टमर था हमारे पास, कस्टमर 21, यहां पर हम आ जाते हैं, ये कस्टमर 21 को सेलेक्ट कर लेते हैं,
ये उसी तरीके से सब कुछ सेलेक्ट हो गया और आज की डेट में 21 सितंबर को हम कस्टमर को जो है वो पैसे वापस कर देते हैं। अब किसके थ्रू वापस करेंगे? फॉर एग्जाम्पल हम जी कहते हैं हमने कैश जो है वो कस्टमर के अकाउंट में अपने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू कर देते हैं, हमने डायरेक्ट डेबिट के थ्रू जो है डायरेक्ट डेबिट के थ्रू हमने कस्टमर को जो है वो पे कर दिया। ठीक है, हमने कस्टमर को बेची क्या चीज थी? हमने कस्टमर को बेची थी अकाउंटिंग सर्विसेज। ठीक है, यहां पर हम कर देते हैं जी अकाउंटिंग सर्विसेज पेमेंट रिफंड। ठीक है, यहां पर हम इसको रिफंड कर रहे हैं। क्वांटिटी 1 है, 100 थी, ठीक है अमाउंट, और इसमें वैट कितना था? वैट था हमारा 20%, तो ये 120 रुपए। 120 रुपए हम कस्टमर को रिफंड कर रहे हैं अपने बैंक अकाउंट में से। बैंक अकाउंट जो भी हमारा होगा वही बैंक अकाउंट हम सेलेक्ट कर लेंगे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं हम अपने इसी बैंक अकाउंट से जो है ना वो पैसे वापस कर रहे हैं। अब ये है कि मैसेज, अगर आप कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं अपनी रिफंड रिसीट के ऊपर तो वो भी आप यहां पर दिखा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहां पर लिख देते हैं जी के अमाउंट रिफंडेड अगेंस्ट इनवॉइस, मेरा ख्याल है 1219 थी, यानी कि हम 1219 इनवॉइस के अगेंस्ट जो है वो पैसे रिफंड कर रहे हैं। और यहां पर मैं सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देता हूं। यहां पर आप देखें जैसे ही मैंने सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया उसने कहा रिफंडेड रिफंड सक्सेसफुली इशूड, यानी हमने कस्टमर को जो है वो पैसे दे दिए हैं। तो ये था हमारा रिफंड रिसीट, ठीक हो गया। ये हमारे पास रिफंड रिसीट जो है वो आ गया। ये देखें ये मेरे पास रिफंड है कस्टमर 21 को जो 120 हमने पे किए हैं। तो ये हमारा जो है क्या कहते हैं रिफंड रिसीट का सेक्शन, ये वाला सेक्शन जो है, ये वाला सेक्शन भी हमारा जो है वो खत्म हो गया है। अब जो हमारी अगली चीज आती है वो हमारी अगली चीज आती है डिलेड क्रेडिट की। अब सबसे पहले डिलेड क्रेडिट पे जाने से पहले उसी तरीके से हम इसको जो है वो देख लेते हैं कि ये क्या है। यहां पर हमारे पास डिलेड क्रेडिट जो है वो दिया हुआ है। ये डिलेड क्रेडिट जो है ये उसी तरीके से डिलेड चार्ज की तरह ही है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने किसी कस्टमर को जो है वो क्रेडिट जो है वो देना है और आपको पता है कि आपने उसको फ्यूचर में क्रेडिट देना है, तो उसके लिए जो है आप पहले से ही जो है एक डिलेड क्रेडिट जो है वो अपना बना लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि यार फ्यूचर में आपने ये क्रेडिट्स जो है वो कस्टमर्स को जो है वो देने हैं, ताकि उसके थ्रू जो है आपको पता चल सके कि अब आपने कस्टमर से इतने नहीं बल्कि इतने पैसे जो है वो रिसीव करने होंगे। उसी तरीके से ये आपकी एक नॉन पोस्टिंग एंट्री होती है, मतलब कहने का कि अकाउंट्स के अंदर पोस्ट नहीं होती, ये सिर्फ पड़ी हुई होती है। ये तब अकाउंट के अंदर आती है जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं। और उसी तरीके से क्या होता है कि ये इजीली जो है वो अप्लाई हो जाती है आपकी फ्यूचर इनवॉइसेस को, यानी जो भी आपकी फ्यूचर इनवॉइसेस होती हैं उनको जो है वो ये अप्लाई हो जाती है। तो अब ये डिलेड क्रेडिट के लिए जो है उसी तरीके से सबसे पहले हम चलते हैं क्विक बुक के अंदर और क्विक बुक के अंदर जो है वो इसको पोस्ट करके देखते हैं। हम यहां पर आ रहे थे, ठीक है। अब यहां पर आके न्यू ट्रांजेक्शन में आके सबसे पहले हम डिलेड क्रेडिट के अंदर आ जाते हैं। अब हम क्या कहते हैं फॉर एग्जाम्पल कि हमारी जो है क्या कहते हैं कस्टमर वन, जिसने हमसे हर महीने जो है वो कुछ ना कुछ चीजें ली हुई हैं, सेल प्लान उसने हमसे एक लिया हुआ है बिल फर्ज। अब हम ये कहते हैं कि कस्टमर वन से हमारी ये बात चल रही है कि यार हम जो है ना वो हमें कह रहे हमसे ये कह रहा है कि मुझे जो है ना क्रेडिट दो, जो तुमने मुझे चीजें बेची हैं उसके ऊपर अब मुझे क्रेडिट दो, डिस्काउंट दो। तो हमारी उससे बात चल रही है और हम एग्री हो गए हैं कि ठीक है यार हम उसको डिस्काउंट देंगे आज की डेट में। तो यहां पर आके अब हम कस्टमर वन को सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां पर आके हम अपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो है उसको जो है वो सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 150, क्योंकि हमने उसको 150 प्लान बेचा है, और 150 प्लान में जो है फॉर एग्जांपल हम उसको जो है ना कहते हैं कि हम आपको तकरीबन 400 का जो है अमाउंट का, और तकरीबन इसके अंदर वैट आपका हो जाएगा 20% मिला के, तो ये हम आपको 400 का जो है वो डिस्काउंट जो है देंगे, ठीक हो गया। ये हमारी उसके साथ कस्टमर के साथ बात हो गई है आज की डेट में। तो आज की डेट के अंदर हम एक डिलेड क्रेडिट जो है वो डाल लेंगे। यहां पर आके हम सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लेते हैं। अब यहां पर आके हमने सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर लिया, तो अब हमारे पास जो है एक डिलेड क्रेडिट जो है यहां पर क्रिएट हो जाएगा और ये ओपन है, ठीक है। अब इसी तरीके से इस क्रेडिट को जो है
हमें जो है वो किसमें क्रिएट करना पड़ेगा, इनवॉइस में, मींस कि ये हमारे क्रेडिट नोट के अंदर जो है वो क्रिएट होगा। यहां पर आके मैं इसको क्रिएट इनवॉइस पे क्लिक कर देता हूं और क्रिएट इनवॉइस के ऊपर आके यहां पर मैं इसकी जो है वो डेट, डेट मैं यहां पर आपकी आके लिख देता हूं, फॉर एग्जाम्पल 1 अक्टूबर, और यहां पर आकर मैं इसको जो है वो उसी तरीके से यहां पर क्लोज जो है वो क्लोज कर देता हूं। यहां पर आके मैं इसको सेव एंड क्लोज कर देता हूं। अब आप देखें यहां पर मैंने आके इसको सेव एंड क्लोज किया, ये 1221 सेव हो गई है। यहां पर आप देखें ये रही 1221। अब यहां पर आकर ये जो 1221 हुई हुई है -480, ठीक हो गया, ये मेरे पास अब डिलेड क्रेडिट जो है वो पोस्ट हो गया है। अब क्या काम होगा, जैसे ही 1 अक्टूबर आएगी मैं इसकी इनवॉइसेस के अंदर से जो है ये जो मैंने अब क्रिएट कर ली है इनवॉइस डिलेड क्रेडिट से, जो मैंने इनवॉइस क्रिएट कर ली है 1 अक्टूबर को, मैं इसकी इनवॉइसेस के अंदर से 480 जो है वो कम कर दूंगा और बाकी जो है इसका रिमेनिंग बैलेंस जो है वो रह जाएगा। तो ये जो है ये हमारा डिलेड क्रेडिट का जो है वो कॉन्सेप्ट था। यहां पर आ जाते हैं और यहां पर आके ये हमारा डिलेड क्रेडिट का कॉन्सेप्ट था। तो ये जो है हमने अब डिलेड क्रेडिट जो है ये भी हमने पढ़ लिया है। तो इसी के साथ ये जो हमारा अकाउंट रिसीवेबल का सेक्शन है ये हमारा जो है वो क्लोज हो जाता है, जिसके अंदर हमने हर चीज देखी है कि किस तरीके से हम एस्टिमेट से इनवॉइस क्रिएट करेंगे, हर तरीके से हमने इनवॉइस क्रिएट की है, इंपोर्ट की है, अपने क्रेडिट नोट्स एलोकेट किए हैं और उसके साथ अपने बैंक के अंदर पेमेंट रिसीव किया। तो ये सारा का सारा जो चीज है, ये सारी की सारी चीज हमने अकाउंट रिसीवेबल साइकिल के अंदर पढ़ ली है। तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल का सेक्शन जो है वो अब यहां पर हमारा क्लोज हो गया है। तो अब हम जो अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलेंगे वो हम अपने अकाउंट पेएबल साइकिल की तरफ जो है वो चलेंगे।